हाई एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी मैराथन सीरीज ठीक है उसका पार्ट सेकेंड ऑफ यूनिट वन होप आज हमारी जो ये यूनिट uh, वन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर फाइन तो इसमें हम सारे जो की पॉइंट्स है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे एंड आपके इन दो वीडियोज में आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा जिसको कम्प्लीट करने के लिए मैंने इलेवन लेक्चर्स लिए थे तो अगर आपको इन डिटेल देखनी है वीडियोज उसके लिए आपको वो लेक्चर्स ही देखने होंगे ये लेक्चर उनको उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है ये बस एक क्विक रिविजन है आपके लिए ठीक है तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रोज मेरी वीडियोज देखते हैं जिन्हें यूनिट वन कंप्लीटली देखा है उन इलेवन लेक्चर्स से प्लस अगर आपका अभी वीडियो तब देख रहे हैं जब आपका एग्जाम सर पे है ना आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आप वो लेक्चर्स देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये रिविजन सीरीज देख के भी अपने एग्जाम देने जा सकते हैं ठीक है इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो दिमाग में रख के ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है फाइन तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू मैं अपनी चैनल पर लेके आती हूँ जेके एस के सुपरवाइजर uh, आपके एग्जाम के कोर्सेज तो स्पेशलाइजेशन वाला हमारा जो पोर्शन है वो कवर हो गया है अब हम इस पर आपकी जो मैराथन सीरीज़ है वो लेके आते हैं एमसीक्यू वीडियोस इस पर आएंगे एंड करंटली आपके जीके के का हिस्ट्री पार्ट जो है उस पर मैं वीडियोस बना रही हूँ एंड उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो कम्प्लीट हो गया है और ये सब चीजें आपको मेरी चैनल पर डिफरेंट प्ले बनी है वहाँ से मिल जाएगा तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका ऑप्शनल सोशियोलॉलॉजी है तो भी आपके लिए बेनिफिश बेनिफिशियल रहेगी ये चैनल क्योंकि मैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोशलॉजी के वीडियोस भी कवर करवा रही हूँ जिसमें हमारा पेपर ए जो है उस ऑप्शनल का कंप्लीट हो गया है एंड पेपर बी ऑलमोस्ट 80 टू तो 90 परसेंट जो है वो ओवर होने वाला है ठीक है तो अगर आप इस सब को मिस नहीं करना चाहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं जो हार्ट के अंदर डॉलर साइन बना होता है या सिंस आई एम डूइंग दिस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहें तो मुझे वॉलेंटरीली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ आपको मेरा यूपीआई आई डी कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा और यू कैन गेट द सेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई चैनल ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं मैंने एक पोल कंडक्ट किया था कि आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए कि ग्रीन बोर्ड चाहिए पर्सनल मेरा चॉइस ग्रीन बोर्ड की तरफ था बिकॉज आई लाइक दैट लुक लेकिन आपको स्टूडेंट हो तो आपको आपकी बात ज़्यादा सुननी पड़ती है एंड आपको व्हाइट बोर्ड ही चाहिए था तो हम स्टार्ट करेंगे आज से हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन वो सारे व्हाइट बोर्ड पे ही होंगे ठीक है तो हमने स्टार्ट करना है हमारा यूनिट वन का पार्ट टू ठीक है पार्ट वन तक हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे एक आपका सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन वाला चैप्टर एक आपका स्टार्टऑफिकेशन वाला चैप्टर ठीक है अब क्विकली हम रिवाइज करेंगे हमारा जो मैरिज वाला चैप्टर है आई गेस तीन चैप्टर्स हमारे हो गए थे uh, एक तो स्टार्टिफिकेशन वाला चैप्टर था एक आपका सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन वाला था तीसरा आपका सोशल इंस्टीट्यूशन वाला था फोक वेज मोड्स एंड नॉर्म्स वगैरह ठीक है तो वो हो गया आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एफ एम के एंड सोशल चेंज जो है हम इसमें कंप्लीट करेंगे तो मैरिज पहले होता क्या है मैरिज एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट मीन्स मैरिज की डेफिनेशन चेंज हो सकती है फॉर्म ऑफ मैरिज चेंज हो सकता है कहीं पे मोनोगस मैरिज हो सकती है कहीं पोलोग पॉलीगामस मैरिज हो सकती है होमोगेमस हो सकती है ठीक है लेकिन मैरिज इन वन फॉर्म ऑफ द अदर आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले की यूनिवर्सैलिटी जो मैंने बोला

अप्रूवल नहीं मिलता है एंड देर ऑफन लुक डाउन अपन एंड जो वहां के ऑफ स्प्रिंग्स भी होते हैं कल के उनके बच्चे भी पैदा होते हैं उनको भी इन वन फॉर्म आदर ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि इनके पेरेंट्स ने बाह की शादी की थी ठीक है ये एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है जैसे यूजुल एक फीमेल के लिए ऑब्लिगेशन होता है घर संभालना ठीक है उसके लिए अगर वो मेल नहीं करे वो घर हाउस होल्ड चोर्स वगैरह में अपनी वाइफ का ये नहीं दे पार्टिसिपेट नहीं करे उन चीज़ों में तो उसको कोई उस पर डाउन नहीं करेगा एंड सिमिलरली अगर जो फीमेल है वो अगर अर्न नहीं करे अपनी फैमिली के लिए तो इसका कोई बिग डील नहीं बना सकता है ठीक है तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है फीमेल का कुछ काम होता है एंड मेल का कुछ काम होता है ऑल्दो दिस इज चेंजिंग लेकिन एक डेफिनेशन uh, पर्सपेक्टिव से हमें देखना होगा दोनों की कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं एक दूसरे की तरफ अब कुछ फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ मैरिज देख लेते हैं मोनोगी होता है जहां पे आपका मे एक मेल एंड एक फीमेल के बीच में शादी होगी पॉलीग्रामी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा मेल फीमेल होते है, हैं मेनी ठीक है एंड सीनोगी ग्रुप मैरिज होता है ये टूडाज में होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ फीमेल एंड ग्रुप ऑफ मेल होता है एंड दिस इज वेरी रेयर ठीक है ये दो मैरेजेस जो है वो कॉमन है सबसे ज्यादा यूनिवर्सल जो फॉर्म ऑफ मैरेज है वो कौन सी है मोनोगैमी अब पॉलीगैमी के आपको अलग डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे पॉलीगैनी एंड पॉली एंड्री ठीक है पॉलीगैमी में मैंने क्या कहा एक से ज्यादा मेल फीमेल होता है तो पॉलीगैनी में क्या होता है मेनी मेल्स मेनी फीमेल्स होती है मेनी फीमेल्स एंड आपका एक मेल होता है दैट मीन्स एक मेल की काफी बीवियां होती हैं ठीक है ठीके? एक से ज्यादा बीवियां होती हैं एंड इसके दो टाइप्स मिलेंगे आपको सरोरल एंड नॉन सरोरल सरोरल में क्या होता है जो कोवाइव्स होती हैं दैट मीन्स जो उस आदमी की बीवियां होती हैं वो आपस में सिस्टर्स होती हैं ठीक है एंड नॉन होता है जो सिस्टर्स नहीं होती है वैसे ही उसने अलग अलग लड़कियों से शादियां की होती हैं तो ये सरोरल है एंड और एक टर्म हम पढ़ेंगे आगे सरोट उसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाना सरोट अलग होता है पॉली एंट्री होता है फ्रिटर्नल पॉली पॉली एंट्री होता है पहले जब एक फीमेल मेनी मेल से शादी करेगी मेनी मेल्स ठीक है अब वो जो मेल्स है अगर वो आपस में भाई होंगे ब्रदर्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे फेटर्नल पॉली एंड्री एंड अगर वो ब्रदर्स नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन फेटरनल पॉली एंड्री ठीक है तो ये याद रख लेना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हमने पीवाई क्यू डिस्कस किया था वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो देख लो उसमें इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आया भी था ठीक है द्रौपदी की शादी जिससे हुई थी तो वो कौन सी टाइप ऑफ पॉली थी तो वो फेटर्नल पॉली थी क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी वो पांच भाइयों के साथ हुई थी इशू ऑफ फादरहुड अब देखो टोडा जो है नीलगिरी की एक ट्राइब है वहां पे क्या होता है अब देखो अगर, अगर, अगर मेनी मेल्स हो गए ठीक है मेनी मेल्स हैं एंड एक फीमेल है तो इशू ऑफ फादरहुड आएगा अगर आपको फादरहुड डिटरमिन करना होगा कि फादर कौन है तो हम क्या करते हैं उससे सोशल फादरहुड डिटर्मिन करते हैं वो एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं बो एंड एरो सेरेमनी और जो उसमें जीतता है उसको सोशल फादरहुड मिलता है उस सोशल फादरहुड को डिटर्मिन किया जाता है पेटर वर्ड से एंड जो जेनेटर वर्ड है वो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल फादरहुड के लिए ठीक है तो ये दो टर्म्स पेटर एंड जेनेटर याद रख लेना एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फिर पॉलिगनी किस किस ट्राइब में होती है एस्किमो क्रो इंडियन सिद्धार्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इंडियन नीग्रोज इसमें आप क्या करोगे अगर आप यू स्टिल हैव टाइम अगर आप में केपेबिलिटी है तो याद रखो आई वुड से अगर नहीं तो एटलीस्ट जो इंडियन ट्राइब्स है ना ये याद रख लेना जो इंडियन ट्राइब्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में पॉलिनी कहाँ कहाँ होते हैं नागाज गॉन्डस एंड बेगाज ठीक है एन जी बी ये आपको याद जरूरी रखना है मोनोगी कहाँ कहाँ होती है इत, काफी सारी ट्राइब्स हैं लेकिन एटलीस्ट कदर संथाल खासीस एंड अंडमान आइलैंडर्स ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है एंड होपी ट्राइब्स तो ये सारे कुछ नाम आप याद रखो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है एंड जो इंडियन ट्राइब है तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी जहां जहां इंपॉर्टेंट ट्राइब्स एटलीस्ट आपको वो याद रखनी है मोनोग भी कहाँ होती है कदर्स संथाल्स खासीस होपी अंडमान आइलैंडर्स इतना याद रख लो इसमें अगर सारा नहीं रखना है पोलेगाइनी में आप याद रखो नागास गोंडा गोंड्स एंड बेग्यास ठीक है ये इनके ट्राइब्स के नाम है ऐसे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किए हैं तभी मैं आपको बता रही हूँ आप कुछ मैरिटल रेस्ट्रिक्शन होती हैं दैट मीन किन्हीं ग्रुप में आप शादी नहीं कर पाओगे एंड किन्हीं में आप कर सकते हो एंडोगी ग्रुप कौन सा होता है वो वो ग्रुप होता है जो इन देयर ओन ग्रुप शादी करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल कास्ट ग्रुप हो गया तो वो अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे एंड एग्जोगी ग्रुप होता है जो आउटसाइड द ग्रुप शादी करते हैं इनके लिए कोई थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अपनी ग्रुप के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं फाइन एंडोगी इंडिया में यूजली कास्ट एंडोगी होती है दैट मीन्स कास्ट एंडोगी मतलब आपको अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करनी है एंड कुछ फॉर्म्स ऑफ एग्जोगी प्रैक्टिस होती है दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर आप शादी नहीं कर सकते हो समझ में आ गया एंडो होता है इनसाइड दैट मीन्स इनसाइड एक ग्रुप आपको शादी अलाउड है एग्जोगी होता है आउटसाइड दैट मीन आउटसाइड ग्रुप आपको शादी अलाउड है अब फॉर्म्स ऑफ एक्सोगैमी आ जाएगा हमारे पास जो हमें यह बताएगा किन किन ग्रुप्स में शादी अलाउड नहीं है क्योंकि एक्सोगैमी क्या आपको कहता है ग्रुप के बाहर शादी करो तो किन ग्रुप के अंदर शादी नहीं कर सकते अगर आप सेम गोत्र के हो गोत्र क्या होता है वो मैं आपको एक मिनट बता पाई मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ यहाँ से फॉर्म्स ऑफ एक्सोगैमी ठीक है क्लियर हो गया हमारे पास ये भी रेज हो गया चलो मैं दोबारा लिख लेती हूँ हमने पढ़ा मैरिज रिस्ट्रिक्शन में हमने देखा एक तो आपका एंडोगैमी है दैट विद इन आप ग्रुप आपकाइड शादी कर सकते हो एक्सोगैमी है आउटसाइड ग्रुप शादी कर सकते हो अब फॉर्म्स ऑफ एक्सोगैमी में देखेंगे किन ग्रुप्स में आप विद इन शादी नहीं कर सकते हो पहला हो गया गोत्र अगर आप सेम गोत्र के हो आप शादी नहीं कर सकते हो अब गोत्र क्या होता है जिसको इंग्लिश में हम क्लैन बोलते हैं देखो क्या होता है अगर आपको बोलेंगे अपने जनरेशन ट्रेस करो आपको अपनी मदर का नाम पता होगा ग्रैंड मदर का पता होगा किसी को चलो ग्रेट ग्रैंड मदर का भी पता होगा किसी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर का भी पता होगा फाइन देन आपके फाइनली एक लीनियज आएगी पीछे पीछे जा आप जाओगे एक जनरेशन आएगी आपको नहीं पता होगा आगे के पुराने पांच जनरेशन से पहले पहले कौन सी जनरेशन थी आपको नाम नहीं पता होगा ना अपनी दादी का फिर उनकी मदर का उनकी मदर का तो यानी इन, इन केसेस में क्या होता है यूजुअली जब आप अपनी ऐसी लीनेज को ट्रेस करते हो किसी अननोन मिथिकल फिगर से वो कोई सेंट हो सकता है कोई एनिमल प्लांट स्टोन ठीक है अननोन मिथिकल फिगर से आप ट्रेस करते हो कि हम सारे उस गोत्र से हैं फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है या कोई ऋषि मुनि है ऋषि मुनि कोई सेंट है तो आप बोलते हो हम इस गोत्र के हम इन ऋषि मुनि जो है हम इनके गोत्र के हैं ठीक है थीके? तो वैसे ही अलग अलग ग्रुप जो सेम गोत्र से खुद को ट्रेस करेंगे कि मैं भी उसी ऋषि मुनि के गोत्र का हूँ वो जो गोत्र के सेम लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं वो लोग होते हैं जो सेम गुरु को मानते हैं ठीक है तो वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं एंड जो सेम विलेज के होते हैं वो भी शादी नहीं कर सकते इसमें नागा गारो एंड मुंडा याद रख लेना वो भी विलेज जो है वो आ, करते हैं प्रैक्टिस एंड पिंडा पिंडा होता है वर्ड से निकला है ऑफ द सेम बॉडी इनको सपिंदा बोलते हैं जो सपिंदा होते हैं वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं अभी कौन कौन से हैं ऑफ द सेम बॉडी से जिन निकले हैं फाइव जनरेशन फ्रॉम योर मदर्स साइड फ्रॉम maternal साइड एंड सेवन जनरेशन फ्रॉम your paternal साइड वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं ठीक है अब हिंदू मैरिज देखो हिंदू मैरिज जो है उसको रिलीजियस ड्यूटी माना जाता है फाइन एंड एक सेक्रीमेंट चीज है जबकि अगर मुस्लिम मैरिज देखोगे तो मुस्लिम मैरिज जो हम निकाह नामा साइन करते हैं उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजी लेकिन हिंदू मैरेज को एक धर्म माना जाता है ठीक है रिलीजियस ड्यूटी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ए गृहस्थ आश्रम तो चार आश्रम मैंने आपको बताए हैं वीडियो में एक तो आपका पहला ब्रह्मचार्य वाला आश्रम है ब्रह्मचार्य सेकेंड इज यू गृहस्थ थर्ड इज यू वन प्रस्था वन प्रस्था एंड फोर्थ इज सन्यासा ठीक है अगर डिटेल में देखना है उसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना होगा रिवीजन के लिए इतना ही तो हिंदू मैरिज जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर गृहस्थ आश्रम तो एम ऑफ हिंदू मैरिज के हैं, तीन एम्स है धर्म प्रजता एंड रति ठीक है धर्म होता है कि ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि शादी करना आपके लिए रिलीजियस ड्यूटी है प्रजाता इसे रिलेटेड प्रोक्रिएशन की आपको जनरेशन आगे बढ़ानी है रति इज योर ओन बॉडीली प्लेजर की आपको अपने बॉडीली प्लेजर के लिए भी शादी करनी होती है तो एग्जाम में अगर आपको तीनों ऑप्शन दिए होंगे आप उसको धर्मा चूज करोगे क्योंकि ऑन द बेस ऑफ प्रियोरिटी है धर्मा को नंबर वन प्रियोरिटी दी जाती है तो और क्या हिंदू मैरिज में बोला जाता है जो ड्यूटी ऑफ द हाउस होल्डर है जो ओनर जिसका घर होता है जो मैन ऑफ द हाउस होता है उनकी ड्यूटी होती है थ्रू मैरिज वो पंच महाजनियाज है वो परफॉर्म करते हैं जो मैरिज इस बंधन में बंध जाते हैं तो उनको जो उन उनपे आती है तो उसमें एक पंच महाज महायना है जो उनको परफॉर्म करनी होती है पहला हम बोलते हैं ब्रह्म यजना दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्डर क्या हाउस होल्डर की क्या ड्यूटी है वो जो स्क्रिप्चर्स है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वो पढ़ना एंड अपनी जनरेशन को आगे पास, पास डाउन करना उनको सिखाना वो स्क्रिप्चर्स देव यजना इज प्रेयर्स ऑफ करना ठीक है प्रेयर्स ऑफर करना ये जो है जो उनके जिनको वो कृष्ण भगवान बोलते हैं वो इस देव यजना को काफी मानते थे पितृ यजना इज ऑफरिंग टू एंसेस्टर्स जैसे इनमें हिंदू फैमिलीज़ में होता है वो एंसेस्टर्स को राइस बॉल्स वगैरह सामने रखते हैं उनके जिनकी अगर डेथ भी हुई होती है उनकी फोटो के सामने रखते हैं तो वो ऑफरिंग्स किनको ऑफर करना आपने एंसेस्टर्स को मनुष्य योजना इज प्रोवाइडिंग फूड टू द दोअर ठीक है का भी ध्यान रखना इंसानों का नहीं बल्कि एनवायरमेंट प्लांट्स एंड ट्रीज वगैरह इन सब चीजों का भी ध्यान देना होगा तो ये है पार्ट आपके किसके पंचमहा योजना ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ द हाउस होल्डर एंड रिचुअल्स क्या क्या होते हैं शादी में पहले जो वगदाना जिसको पानी ग्रहण एंड संकल्पना भी बोलते संकल्पा भी बोला जाता है वगदाना इज ये जो आप ऑरल रेसिटेशन करते हो ना जो पढ़ते हैं शादी करते टाइम कन्यादाना इज दैट मीन्स आपको अब आपके फादर जो लड़की का फादर है वो हैंड ओवर करता है ब्राइड सारे रिचुअल्स के साथ अपनी कन्या को आ, किसको हैंड ओवर करता है ग्रूम को ठीक है होमा इज फायर जिसके इर्द गिर्द वो चक्कर करते हैं पानी ग्रहना इज दैट जिसमें वो एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं दुल्हन दुल्हन का एंड उसके ऊपर कोई लीफ होता है फिर एक कलश रखते हैं ठीक है उसको पानी ग्रहण बोलते हैं सतपथ इज योर सात फेरे ठीक है जिसके बगैर जो है शादी परफॉर्म नहीं हो सकती है एंड मंगल धरना इज ये मंगल सूत्र तो इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जो आपको शादी में परफॉर्म करने होते हैं तो हिंदूज के अकॉर्डिंग जो मैरिज है ये इन बॉन्ड है ये आप तोड़ नहीं सकते हो अगर आपकी शादी हो गई है तो वहां से अर्थ ही वापस आनी चाहिए ये रिलीजन कहता है लेकिन इस चीज को बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं माना आपकी सोसाइटी ने नहीं माना तो क्या हमारे पास तो आगे फिर वेरियस एक्ट्स आ गए जिसने डिवोर्स को क्या किया बाद में लीगल बनाया एंड परमिट किया फिर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज कुछ कुछ टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज देख लो कौन कौन से थे टोटल आठ जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं ये आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसलिए आप देख लो ब्रह्मा मैरिज होता है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है फॉर्म ऑफ मैरिज इसमें क्या होता है पूरे रीति रिवाज के साथ जो है फादर अपनी ब्राइड को किसको का, -का कन्या करता है एंड उसको किसको हैंड ओवर करता है जो दुल्हा होगा उसको देवर मैरिज होता है इसमें फादर क्या करता है वो सैक्रिफाइस करता है अपनी बेटी को काइंड ऑफ सैक्रिफाइस है वो उसको प्रीस्ट को हैंड ओवर कर देता है अर्श मैरिज होता है जिसमें जो लड़के का फादर होता है वो टू काउस एंड टू बुल्स जो है वो ब्राइड के फादर को देता है मैरिज के लिए प्रजापत्या ये भी एक टाइप की ब्रह्मा मैरिज है रीति रिवाज के साथ होती है लेकिन इसमें कन्यादान परफॉर्म नहीं होता है तो इस वजह से ये रिचुअली ब्रह्मा से थोड़ी कम आती है ठीक है एंड असुरा मैरिज को बोलते हैं मैरिज बाय परचेज इसमें क्या होता है जो लड़का होता है उसको ब्राइड प्राइज देना होता है टू गर्ल मतलब काइंड kind ऑफ of, उसको खरीदा जाता है लड़की को ठीक है वो ब्राइड प्राइज देकर लड़की को खरीदता है गंधर्व मैरिज है जो लव मैरिज राक्षसर मैरिज इज मैरिज बाय एडाक्शन जो ये करता है वो क्या करेगा लड़कियों को किडनेप करेगा एंड उस किडनेपिंग में लड़ाई भी हो सकती है कुछ रिलेटिव वगैरह की डेथ भी हो सकती है एंड पिताचा मैरिज जो है इसको मोस्ट डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ मैरिज बोला जाता है इसमें यूजली क्या होता है मैरिज करने के लिए सेक्शुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है उस स्टेट में जब लड़की हाफ स्लेप्ट होगी या इनटॉक्सिकेंट होगी अपने सेंसेज में नहीं होगी जो मैन है ही एंटर इन टू द सेक्शुअल रिलेशनशिप और इसी हिसाब से उनकी शादी हो जाती है तो जो आपकी मनुस्मृति है जो मनु ने लिखी थी जिनको फर्स्ट मैन कंसिडर किया जाता है हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग तो इसमें जो फर्स्ट टू फोर फॉर्म है वही एक्सेप्टेड फॉर्म्स है अब करंटली क्या होता है सिर्फ मोनोगैमस मैरेज जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है हिंदू मैरिज में उनके एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो पॉलीगैमस मैरेज वगैरह है वो भी क्या है बैंड है प्रोहिबिटेड है तो ये आठ फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज है जो आपको याद फिर कुछ लेजिलेस देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट एटीन ट्वेंटी सती के इंसिडेंट्स को तो कम करने के लिए आजादी से पहले ही लाया था विडो रिमैरिज एक्ट मैंने आपको कहा जो हिंदूज हैं वो इसको इनडिजोलेबल माना जाता था उसमें ठीक है मुस्लिम्स में नहीं माना जाता था तलाक जो है काफी पहले से ऑप्शन दिया गया था हिंदूज में ये नहीं था 1856 में ये एक्ट लाया गया जिससे हिंदू विडोज को रिमैरी करने की जो परमिशन है वो दी गई स्पेशल मैरिज एक्ट ने क्या किया जो इंटर कास्ट मैरिजेस हैं और इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उनको परमिट किया अदरवाइज क्या फॉलो होता था कास्ट एंडोगी कास्ट एंडी फॉलो होती है में खासकर एंड विलेज सबसे ज्यादा ठीक है तो इस चीज को रोकने के लिए कास्ट एंडी को रोकने के लिए किसी विद इन ओन कास्ट शादी करो इंटे कास्ट इंटर मैरिज को बाद में क्या किया लीगलाइज किया ये कितना फॉलो होता है ऑन ग्राउंड दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन आपके पास जो है लॉ इसके लिए बना हुआ है शारदा एक्ट भी बोला जाता है इसके ये किसके रिलेटेड है मैरिजेबल एज बच्चों की लड़के की फोर्टीन लड़की लड़के की एटीन एंड लड़की की फोर्टीन बाद में नाइनटीन सेवेंटी एट में इसको अमेंड करके कितना लाया एंड ट्वेंटी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लास्ट वन इज हिंदू मैरिज एक्ट इसमें क्या किया गया आपके डिवोर्स को परमिट किया गया एंड आपका जो पॉलीगैमी है उसको बैन किया गया दैट मीन यहाँ पे सिर्फ मोनोगी जो है अलाउड होती है हिंदूज में मुस्लिम्स को मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है अपना बोर्ड उनका चलाता है मैरिटल लॉज का तो मुस्लिम्स में पॉलीगैमी जो है अभी भी अलाउड है फिर सरूरेट एंड लेवरेट मैरिजेस मैंने कहा था इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना सरूरल अलग है दैट इज अ पार्ट ऑफ ए पॉलीगाइन जब सारी जो बीवियां होती हैं आपस में बहने होंगी वो सरूरल होता है ठीक है वो मुस्लिम्स में परमिटेड नहीं है सरूरेट क्या होता है अगर कोई लेडी अगर कोई जेंट्स है ठीक है मेल है एंड उनकी जो वाइफ है या उसकी डेथ हो गई है या वो इनफर्टाइल है तो इस केस में वो क्या कर सकता है जो डिसीज वाइफ है या इनफर्टाइल वाइफ है उसकी सिस्टर के साथ शादी कर सकता है इसको हम बोलते हैं सरोरेट लेवरेट में इसका उल्टा होता है जो फीमेल है अगर उनका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई तो वो डिसी हस्बैंड हसबैंड डिसीज हसबेंड के ब्रदर के साथ शादी कर सकती हैं ठीक है थीके? उसको लेवरेट मैरिज बोला जाता है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं याद रख लेना तो इसमें आपको याद क्या कैसे रखोगे एस से याद रख लो सरोट एस से याद रख लो साली तो जो सरोट मैरिजेस है वो जीजा साली की शादी होती है अब इतना याद रखोगे तो लेवीरेट आपको खुद याद आ जाएगा हाइपरगैमी हाइपोगामी ये भी फॉर्म्स ऑफ मैरिज एक है हमें हाँ, पता है यहाँ पे कास्ट इंडोगामी प्रैक्टिस होती है दैट मीनस विद इन यूर ओन कास्ट शादी करनी है लेकिन कुछ केसेस में टू सम एक्सटेंड अगर आउटसाइड द कास्ट शादी होगी तो उसके बाद में क्या नाम है अलग अलग हाइपरगैमी होता है अगर जो लड़का होता है मेल वो हाई कास्ट का होगा एंड जो फीमेल होगी वो लो कास्ट की होगी फीमेल लो कास्ट ठीक है इसको हाइपरगैमी के साथ अनुलोमा भी बोला जाता है अनुलोमा एंड हाइपोगी इसका उल्टा है अगर जो फीमेल है वो हाई कास्ट की होगी एंड जो मेल है वो लो कास्ट का होगा ठीक है इसको प्रतिलोमा बोला जाता है तो एग्जाम में कैसे आ क्या आ सकता है आपको कि अनुलोमा क्या होता है और कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज है ऑप्शन में होगा सरोट है हाइपर है लेवरेट है या हाइपोगैमी है तो पता होना चाहिए अनुलोमा जो हाइपर ठीक है इसको आप ऐसे करके याद रखो प्रति लोमा ठीक है प्रति से हो गया पति लोमाइज लो तो पति लो कास्ट का होता है हाइपोग्रामी में ठीक है या कुछ भी करके आप आपको याद रख सकते हो मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा कैसे याद उसको रखो तो प्रेफरेंशियल मैरेजेस होते हैं कुछ रूल्स हैं मैरेजेस के पॉजिटिव रूल्स हैं नेगेटिव रूल्स हैं पॉजिटिव है किन में आप शादी कर सकते हो नेगेटिव रूल्स हैं आपके प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं उसको किन में आप शादी नहीं कर सकते हो तो जो पॉजिटिव रूल्स हैं मैरिज के उसमें आपको दो टाइप ऑफ मैरिजेस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो एक आपका हो गया क्रॉस कजन मैरिज एंड एक है आपका पैरल कजन मैरिज ठीक है वीडियोस में भी एक्सप्लेन करके यहाँ पे भी थोड़ा आपको बता देती हूँ क्रॉस कजन मैरिज क्या होता है क्रॉस कजन देखो इसमें आपको याद क्या रखना है सबसे बेसिक आपको इसमें पेरेंट्स के सिबलिंग्स का देखना है अपने सिबलिंग्स का नहीं देखना है पेरेंट्स के सिबलिंगस का ये बेसिक चीज याद रखो तो क्रॉस में क्या करोगे एक तो यहाँ पे आप यू ठीक है आपकी शादी किससे हो जाएगी जो आपका स्पाउस होगा क्रॉस में जो पेरेंट का सिबलिंग है वो ऑपोजिट जेंडर का होगा सिबलिंग ऑपोजिट जेंडर दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप हो यहाँ पे आपका ले लेते हैं पेरेंट एक फादर दूसरे केस में लेंगे मदर को ठीक है यही आपके पेरेंट्स है फादर मदर तो फादर का ऑपोजिट सिबलिंग क्या हुआ सिब्लिंग हो गया भाई या बहन तो अपोजिट जेंडर का सिबलिंग कौन हुआ फादर की सिस्टर तो जब आपकी शादी हो जाएगी आपके बुआ के बेटे के साथ सन के साथ स्पाउस कौन बनेगा आपका बुआ का बेटा दैट मीन्स फादर का जो ऑपोजिट सिबलिंग है उसका ऑफ स्प्रिंग वो हो गया आपका क्रॉस कजन मैरिज ये हो गया एक पेरेंट दूसरा पेरेंट आपका क्या आपकी मदर मदर की मदर का ऑपोजिट सिब्लिंग कौन है आपके मामू मदर्स ब्रदर यो मामू तो अगर यहाँ पे आप हो तो आपकी शादी हो रही है मामू के बेटे के साथ ठीक है ये हो गया आपके क्रॉस कजन मैरेजेस अब पैरल कजन में क्या हो गया इसका उल्टा यहाँ पे सिब्लिंग जो है वो सेम जेंडर का होगा पहले फादर के केस में देखते हैं एक तो आप हो यू ठीक है प्लस शादी किससे हो जाएगी आपकी जो फादर का सेम सिब्लिंग क्या हुआ आपका चाचा ताया अंकल के बेटे के साथ ठीक है सेकंड पेरेंट क्या है आपकी मदर यहां पे आप हो, आपकी शादी किसके साथ हो जाएगी जो आपकी मदर की सेम सिब्लिंग है उसके बच्चे के साथ तो मदर की सेम सेम सिब्लिंग कौन सी हुई आपकी मासी तो मासी के बेटे के साथ आपकी शादी हो जाएगी तो को हम बोलते हैं पैरल कजन मैरिज तो ये पैरल क्या होता है सा... ये क्या होता है क्रॉस ये याद रख लेना एंड आपके जो क्रॉस कजन मैरिजेस हैं साउथ में सिर्फ क्रॉस कजन मैरिजेस फॉलो होती हैं एंड इंडिया में पैरल एंड क्रॉस कजन दोनों फॉलो होती हैं मुस्लिम्स में साउथ में सिर्फ क्रॉस अलाउड है पैरल अलाउड नहीं है ठीक है फिर प्रिस्क्रिप्टिव हुआ नेगेटिव जहां पे आप शादी नहीं कर सकते हो तो नॉर्थ इंडिया नॉर्थ में ना क्रॉस कर सकते हो ना पैरेलल कर सकते हो तो नॉर्थ इंडियन के नॉर्थ इंडिया के हिंदूज हैं ठीक है वो कजन्स में शादी नहीं करते हैं घोस्ट मैरिज क्या होता है कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है यहाँ पे हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई है एंड उन्हें री किया ठीक है लेकिन जो बच्चे हैं जो किड्स हैं वो अभी भी किसका खुद को बच्चा मानते हैं जो उनके फादर की डेथ होगी है उनका ठीक है तो इसको इस गोस्ट मैरिज बोला जाता है जो, जो चिल्ड्रन है वो डेड फादर के ही हैं जो नई उनके फादर है उनके चिल्ड्रन वो नहीं कंसिडर किए जाते हैं ट्राइबल्स में देख लो क्या होता है बाय परचेज एंड सर्विस इसमें क्या होता है कि आपको ब्राइड के लिए कोई प्राइस देना पड़ता है जो अगर लोएस्ट प्राइस भी देना पड़े तो वो कौन सी ट्राइप देती है नागाज हाईएस्ट प्राइस तक भी जा सकता है वो देते हैं आपके होसठ ठीक है ये नागाज होज एंड गॉन्डस में होता है इसमें गॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होता है यूजुअली प्राइस कोई पे नहीं करते लेकिन जो दुल्हा है जो ब्राइड ग्रूम जिसको हम बोलते हैं वो दुल्हन के घर में काम करता है काफी सालों तक जिसके बदले बाद में जो दुल्हन के फादर हैं वो उसकी शादी करवाते करवा सकते हैं मतलब अपनी मर्जी अगर उनको सर्विस पसंद आएगी तो उस लड़के के साथ वो बेटी की शादी करवाएंगे तो उस केस में लड़के को क्या बोलते हैं स्यूटर सर्वेंट ठीक है तो वो सर्व करता है दुल्हन के घर में यूथ डोमेट्रीज होती है ट्राइबल्स में वहां पे क्या होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है बहुत लोगों के साथ फिर जो लोग पसंद आएंगे उनके साथ शादी कर ली मैरिज बाई कप्चर भी हो सकता है मतलब जबरदस्ती करके शादी करना थोड़ा फन वे का कैप्चर है एक तो फिजिकल कैप्चर होता है सेरेमोनियल कैप्चर होता है फिजिकली आप सीधे उठा के ले जाओ बोलो हाँ मैं शादी कर रहा हूँ एंड सेरेमोनियल होता है कि उसके लिए कोई फंक्शन वगैरह आप रखो कोई सेरेमनी परफॉर्म करो एंड शादी करो तो नाराज होल हो बिल एंड गॉन्ड में होता है ठीक है तो ये सारे आप याद रख लेना आगे जो हमने पी वाई क्यूज डिस्कस किए थे उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे कि फलानी शादी जो है वो किस ट्राइब में होती है बाई ट्रायल ट्रायल में क्या होता है ये अपना इसमें प्रोवेस दिखाते हैं दैट मीन्स अपना पावर दिखाता है लड़का ये कोई वो पेड़ के इर्द गिर्द समथिंग कोई डांस गेम जिस ऐसी है वैसा कोई परफॉर्म करते हैं एंड जो उसमें जीतते है वही आपका जो दुल है वो बन जाता है और ये कहाँ पे होता है बिल्स में ठीक है ये बिल्स में होता है ये नागास हो हो एंड गोंड में होता है एंड कैप्चर वाला जो सेरेमोनियल कैप्चर है वो नागा बिल्स यहाँ पे भी गोंड में भी हो में भी हर जगह हो जाता है ठीक है फिर होगी okay, मुस्लिम्स ये हिंदू का खत्म हो गया मुस्लिम्स का देखते हैं मुस्लिम्स में क्या होता है मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है जो निकाहनामा है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं ठीक है सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है एक इजाब होता है एक कबूल होता है इजाब होता है जो लड़का प्रपोजल लेके आता है एंड कबूल होता है जो फिर लड़की कबूल करती है कि हाँ मुझे कबूल है कबूल है कबूल है तो उनके लिए ये टर्म्स है इजाब में आपको दो विटनेस चाहिए होते हैं उस प्रपोजल के साथ एंड आपका एक मौलवी प्रीस्ट वगैरह अब शादी कौन कौन कर सकता है सिर्फ एडल्ट पर्सन ऑफ साउंड माइंड ठीक है चाइल्ड मैरिज एट मिन नहीं हो सकती है अगर माइनवर की शादी होगी तो विदेंट और वो uh, अंडर किसी गार्डियनशिप के होती है ठीक है रन अवे मैरिजेस जो बाकी शादी हुई होती है उनको किफाब बोलते हैं वो इन शादियों को सोशल अप्रूवल नहीं मिलता है आइड के साथ आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम आइडल वर्षिपे बिलीव नहीं करते हैं स्लेव मैरिज बीज है वो भी रिकोगनाइज नहीं है फिर जो मुस्लिम्स में हमें देखना है वैलड मैरिज एंड इनवेलिड मैरिज ठीक है वैलिड मैरिज जो सही निका फॉर्म में निका परफॉर्म हो गया विटनेसेस के साथ वो आपका सही निकाह हो गया एंड इनवैलिड को हम बातिल बोलते हैं ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अब क्या क्या कंडीशन है आपकी शादी इनवैलिड होने की पॉलीगैमी अगर लड़की करे ठीक है लड़की अगर एक हस्बैंड जिंदा हो दूसरे हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती है अगर लड़की करे पॉलीगैमी वो इनवैलिड वैलिड है एंड मुस्लिम्स में जो है पॉली गाइनी फॉलो होता है दैट मीन्स आप एक से ज्यादा वाइफ्स आपको परमिशन है रखने की लेकिन सिर्फ चार अगर आपकी चार बीवियां जिंदा है आप फाइव फिफ्थ के साथ शादी नहीं कर सकते हो विद इन क्लोज रिलेटिव या आप मेरी वीडियोज में देख लेना या कंपाइल्ड पीडीएफ में मैंने लिखा है किन किन रिलेटिव में नहीं हो सकती है आईडिलेटर्स के साथ सरूरल पोलिगैनी दैट मीन जब बीवियां जो है अगर आपकी चार बीवियां वो आपस में सिस्टर्स नहीं होनी चाहिए अगर एक वाइफ मर गई फिर उसकी बहन के साथ शादी कर सकते हो लेकिन जब तक वो वाइफ जिंदा है उसकी बहन के साथ नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग इद्दत शादी नहीं कर सकते हो इद्दत इज योर यी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी का डिवोर्स हो गया तो उनको वेट करना पड़ता है थ्री मेंस्ट्रुअल साइकिल तक या किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको इदत तक वेट करना पड़ता है उस बीच में शादी नहीं कर सकते हैं ठीक है अब देखो जो अनएक्सेप्टेबल मैरिजे मैंने कहा था हम जो ये बातल मैरिज है आगे देखेंगे अनएक्सेप्टेबल मैरिज अब मुस्लिम्स उसमें दो कैटेगरीज आती है एक आपका इरेगुलर होता है एंड एक आपका इनवैलिड होता है ठीक है इनरेगुलर मैरिजेस वो होती है जो आपकी कन्वर्ट हो सकती है रेगुलर में दैट मीन्स उसका कोई चांस होता है कि वो शादी आपकी वैलिड हो सकती है जो इनवैलिड होता है उसको बातल बोलते हैं जो आपकी बिल्कुल ही खारिज हो जाती है जो आप जो वाइड मैरिज होती है ठीक है वो बिल्कुल वाइड होती है फास मैरेज़ की एग्जाम्पल्स क्या होगी आपकी एबसेंस ऑफ विटनेस अगर होंगे या इद्दत वगैरह के टाइम पे आपने शादी की तो उनको कोई प्रोसीजर होगा करेक्ट करने का क्लोज द लेटर्स में नहीं होगी आइडिया लेटर के साथ नहीं कर सकते ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनवैलिड की ठीक है तो कंपाइल्ड पीडीएफ में देख लेना वहां पे मैंने इन डिटेल एग्जाम्पल्स लिखी हुई है और मुस्लिम में कॉन्सेप्ट है मेहर का डावर जो कौन देता है जो ब्राइड देता है ब्राइड ग्रूम को जो सॉरी ब्राइड ग्रूम देता है ब्राइड को ठीक है और एक फॉर्म ऑफ मैरेज है टेम्प्रेरी मैरिज उसको बोलते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ टाइम के लिए होती है उनको मुट्टा मैरेज भी बोलते हैं और ये शिया कम्युनिटी में परफॉर्म होती है अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मैंने कहा तलाक जो है हमें इलाबरेट पढ़ना है क्योंकि मुस्लिम्स में तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी पहले से स्टार्ट हुआ था कि तलाक देने के कुछ कंडीशन है आप तलाक दे सकते हो तो उसके लिए तीन चीजें हैं एक तो मुस्लिम लॉ है जिसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है और शरिया एक्ट है नाइनटीन के बेसिस पे दे सकते हो एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसमें लड़की जो है वो डिमांड कर सकती है इनके इनमें से किसी एक बेसिस पे क्या करूँ जो मेरी मैरिज है उसको डिजोल्व करो इन दोनों में कोर्ट इंटरवेंशन होता है मुस्लिम लॉ में नहीं होता है तो जो मुस्लिम लॉ है ये दो टाइप के आपको मिलेंगे इसमें जो हम चीजें पढ़ेंगे एक तो हो गया खुला सेकेंड इज जो टाइप्स ऑफ तलाक इसमें कौन कौन से दे सकते हैं पहला हुआ खुला एंड मुबारक खुला होता है जिसमें गर्ल जो है वो डिमांड करेगी कि मुझे इससे मतलब अलग कर दो मुझे डिवोर्स चाहिए मुबारक इज जब म्यूचुअल कंजेंट से होता है म्यूचुअल कंजेंट एम से याद रख लो मुबारक एंड एम से याद रख लो म्यूचुअल म्यूचुअल कंजेंट जो खुला है कहीं कहीं पर इसकी स्पेलिंग ऐसी भी लिखी होती है कोल या खोल करके तो वो आप खुद ही मतलब देख लेना ठीक है तलाक हस्बैंड किन किन केसेस में दे सकता है उनके तीन टाइप्स हैं एक तो हम बोलते हैं तलाक एहसन किस तरीके से देता है तो सिंगल तलाक है इसमें नो रिलेशनशिप टिल इद्दत एक ही बार ही बोलते कि मैं आपको तलाक देता हूं एंड जब तक इद्दत उसका कंप्लीट होती है लड़की की तब तक उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए तलाक हसन तलाक हसन होते थ्री प्रनाउंसमेंट्स में होता है तीन सक्सेसिव मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में वो बोलेगा कि तीन बार मैं तुम्हें तलाक देता हूँ देन विद्यत इज योर सिंगल सेंटेंस में बोलेगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ या तीन सेपरेट सेंटेंस में बोलेगा मैं तुम्हें तलाक देता हूं तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ ठीक है या वो क्या कर सकता है वो सिंगल सेंटेंस बट क्लियर प्रनाउंसमेंट करेगा एक ही बार बोलेगा कि मैं तुम्हें ऐसा तलाक दूंगा जो वापस तुम मेरे साथ नहीं जुड़ सकती हो ठीक है इिवोक तलाक जो है तुम्हें दूंगा तो जो ये वाले केसेस हैं जिसमें फर्स्ट सिंगल सेंटेंस या तीन सेंटेंस में बोला जाता है इसमें री इस्टैब्लिशमेंट के दोबारा चांसेस होते हैं लेकिन जो सिंगल लेकिन क्लियर अनाउंसमेंट है कि मैं तुम्हें इर तीन बार तलाक देता हूं इसमें क्या होगा इसमें कोई नो चांस ऑफ रीस्टेब्लिशमेंट होता है इसमें दोबारा आप रीइस्टैब्लिश नहीं हो जाते हो ठीक है ये किसके हम देख रहे हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे हमने खुला मुबारक पढ़ा जो लड़की देती है मुबारक जो म्यूचुअल कंसेंट से होता है एंड तलाक जो हस्बैंड देता है उसमें तीन टाइप्स होते हैं हसन एसन एंड बिद्यत एस में क्या होता है सिंगल लेकिन कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए इधर तक तलाके हसन में क्या होता है तीन तीन मेंस्ट्रुअल सक्सेसिव पीरियड्स में एंड तलाक इज सिंगल सेंटेंस में या तीन सेपरेट सेंटेंसेस में या सिंगल बट क्लियर कि मैं तुम्हें वो एक ही बार बोलेगा लेकिन साथ ये साथ में बोलेगा कि रिवोकेबल होगा हमारा जो रिलेशन है तलाक खत्म हमेशा के लिए तो इसमें कोई चांस नहीं होता है री एस्टेब्लिशमेंट का ठीक है फिर देखते हैं शरिया एक्ट फिर जो ये तलाक बिदत है एक्चुअली काफी स्कूल्स uh, में फॉलो नहीं होता है कुछ ही जो स्कूल्स हैं वो तलाक बिदत को फॉलो करते हैं मुस्लिम्स में तो इसी तलाक के जो अगेंस्ट है वो बिल लेके आए थे जिसको ट्रिपल तलाक लॉ बोला जाता है जो शाहबानो केस में सामने आया था जो कब लेके आए थे इसको बोला जाता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल वुमेन्स प्रोटेक्ट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज बिल 2019 और उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में जून 19 2019 में ठीक है तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत और पॉइंट्स देखने होंगे ट्रिपल तलाक के बारे में तो आपको कहाँ मिलेंगे आपको मेरे लेक्चर में मिलेंगे या आप कंपाइल्ड पीडीएफ में भी वो देख सकते हो अब जो शरिया एक्ट है इसके अकॉर्डिंग तलाक के तीन टाइप्स हैं इला जहर एंड लियान में क्या होता है अगर लड़का कसम खाए कि मैं इतने टाइम के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ नहीं रखूंगा एंड फिर वो कंडीशन पूरी भी करता है ठीक है तो वो एक फॉर्म ऑफ ये हो गया तलाक जहर होता है अगर इसमें लड़का बोले की कसम खाए कि जो मेरी बीवी है वो मेरे लिए मेरी मदर के बराबर है दैट मीन्स वो अपनी बीवी को खुद के लिए क्या बना रहा है हराम बना रहा है इस किस में भी जो तलाक है इस, ऐसे भी आप दे सकते हो लियान में आप तलाक देते हो ये बोल के कि मेरी जो बीवी है उसको आप अक्यूज करते हो एडल्ट्री के लिए लेकिन आपको बाद में कोर्ट में प्रूव भी करनी होती है आपकी बीवी कोर्ट अप्रोच कर सकती है ना कोर्ट इंटरवेंशन है होता है शरिया एक्ट में तो लियान हो गया जिसमें आपको अडल्ट्री वाला हो गया जहर हो गया मेरी मदर है इलाह होता है आप बोलते हो मैं इतने टाइम तक सेक्शुअल रिलेशनशिप नहीं रखूंगा इसके साथ तो वो आता है आपका शरिया एक्ट में फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में वुमेन किस किस बेसिस पे आपको बोल सकती है तलाक मांग सकती है कोर्ट से अगर हस्बैंड का वेयर अबाउट पता नहीं होगा चार साल तक कि पति कहाँ है अगर वो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है दो साल तक अगर वो जेल चला गया है सेवन और मोर देन सेवन इयर्स, अगर वो इंपॉर्टेंट है सिंस मैरिज एंड खासकर अगर आपको उसने ये बात आपसे छुपाई थी अगर फुलफिल नहीं करता है म्यूचुअल ऑब्लीगेशन फॉर थ्री ईयर्स के लिए एंड पागल हो गया इंसैनिटी और उस चीज में दो साल हो गए हैं एंड कोई एक इनक्यूरेबल डिजीज हो गई है उनको फॉर एग्जाम्पल लेप्रोसी 4 15 अगर 15 ईयर से पहले किसी की शादी हो गई तो वंस शी अटेंस द एज ऑफ 18 वो डिवोर्स के लिए क्या कर सकती है अप्लाई कर सकती है ठीक है तो ये हो गया आपका तलाक ट्रिपल तलाक ये भी हो गया एंड ट्रिपल तलाक पे अगर लॉ पे आपको और कुछ पॉइंट्स देखने होंगे उसके लिए आपको मेरी डिटेल वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी फिर हुआ फिर आगे हम फैमिली पे ठीक है मैरिज पार्ट आपका फिनिश फैमिली जो लैटिन वर्ड से निकला है फैमिलिस फैमिलिस का मतलब सर्वेंट जो थी सर्व करते थे फैमिली को आपको इसमें कुछ नाम याद रखने जीपी मोडक ने चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए थे फैमिली के रेगुलेट करता है सेक्सुअल रिलेशन को इकोनॉमिक सर्वाइवल रिप्रोडक्शन सोशलाइजेशन अब देखो फैमिली क्या है फैमिली की डेफिनेशन चेंज हो सकती है सिमिलरली लाइक योर मैरिज फैमिली अलग फॉर्म भी हो सकती है डिफरेंट फॉर्म्स की लेकिन एक जो न्यूक्लियर uh, फैमिली है जिसमें एटलीस्ट एक हस्बैंड हो और एक वाइफ हो प्लस माइनस चिल्ड्रन इसको यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फैमिली समझा जाता है और जो करंट सोसाइटी में ये ट्रेंड चेंज हो गया आपकी होमोग्रामेस या सेम सेक्स मैरिजेस की वजह से सेम सेक्स फैमिलीज भी इमर्ज हो गई लेकिन एक जो न्यूक्लियर फैमिली है उसको जिसमें एक हस्बैंड रहता हो एक वाइफ रहती हो और साथ में प्लस माइनस मींस हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं बच्चे इसको एक सेंट्रल पॉइंट आप बोल सकते हो एक यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली का एटलीस्ट ये फॉर्म ऑफ फैमिली जो है हर सोसाइटी में देखने को मिलती थी अकॉर्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट नाम इसमें हैं जीपी मर्डर उन्होंने चार इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए थे फैमिली के ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल रिलेशन दैट मींस ये कंसेंट करता है सोशल अप्रूवल देता है सेक्सुअल रिलेशन को दो दोल्ट uh, के बीच में अकाउंट्स फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल आपको इकोनॉमिक सपोर्ट कहाँ से मिलता है आपकी फैमिली से रिप्रोडक्शन फैमिली में क्या होता है प्रोक्रिएशन होती है ना आपकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ती है सोशलाइजेशन आपको फैमिली को बच्चों का पहला स्कूल उसके उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली से स्टार्ट होता है दैट मीन सोसाइटी के डूज एंड डोंट सोशलाइजेशन का सारा प्रोसेस वो आपको स्टार्टिंग कौन करता है उसका स्टार्ट कहाँ से होता है आपकी फैमिली से ठीक है सोशलाइजेशन वगैरह हमने ऑलरेडी किया हुआ है किंग्सले डेविस ने क्या कहा था चार फंक्शंस ये थे रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन रिप्रोडक्शन यू नो मेंटेनेंस आपको इकोनॉमिकली आपकी मेंटेनेंस करना सोशल मेंटेनेंस आपकी करना आपकी इमोशनल मेंटेनेंस वो फैमिली के हाथ में है प्लेसमेंट देन आपको सोसाइटी में कहाँ प्लेस होना है चाहे वो इकोनॉमिकली आप कहाँ पे हो ठीक है लेकिन सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस देती है उस टाइप की प्लेसमेंट वो आपको कौन देता है आपको फैमिली से मिलती है सोशलाइजेशन अगेन देन डूज एंड डोंट्स आपको सोसाइटी के कौन से आपकी फैमिली मैकाइवर ने दो फंक्शंस दिए थे एसेंशियल फंक्शन एंड नॉन एसेंशियल फंक्शन एसेंशियल में उन्होंने तीन कहा था सेक्शुअल नीड्स पूरी करना चिल्ड्रन आगे प्रोक्रिएशन एंड एक होम प्रोवाइड करना आपके रहन सहन के लिए ये असेंशियल फंक्शन है फैमिली के ठीक है इनको आप प्राइमरी फंक्शन भी बोल सकते हो एंड नॉन असेंशियल हुए बाद में एजुकेशन टीचिंग टीचिंग देना देना आपको इकोनॉमी हेल्थ एंड रिक्रिएशन से फेस्टिवल्स वगैरह परफॉर्म करना ताकि आपकी रिक्रिएशन होती रहे आप खुश रहो वो सारे काम वो भी कौन करता है फैमिली करती है तो ये मेकाइवर ने दिए थे एसेंशियल एसेंशियल एंड नॉन इनको आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी बोल सकते हो फिर थ्योरीज ऑफ ऑरिजन ऑफ फैमिली हमने पढ़ी थी कुछ पहली फैमिली थी आपकी थियोरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म इसका मतलब क्या था जो पुरानी सोसाइटीज़ थी उसमें कोई सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल बॉन्ड नहीं था ऐसा नहीं होता था कि एक पार्टनर का एक ही पार्टनर होगा अपनी मर्जी है सेक्शुअल रिलेशनशिप आप कितनों के साथ भी बनाओ सेक्सुअल प्रोमिसक्टी उसको बोलते हैं ठीक है वैसे टाइप का रिलेशन चलता था तो वहाँ से क्या हुआ एक फैमिली ऑरिजिनेट हो गई फाइन क्योंकि जब ऐसे रिलेशन आप बनाते रहे मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स तो प्रोक्रिएशन होती गई बच्चे बढ़ते गए एंड वहाँ से आपकी फैमिली आई तो उसमें क्लासिफिकेटरी सिस्टम था क्योंकि अगर एक फीमेल जो है उनके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो उनको पता नहीं होता था कि बच्चे का फादर कौन है तो ऐसे में क्या होता था जो एंटायर ग्रुप 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 है ऑफ ऑफ एंड मैन एक पर्टिकुलर एज के उनको कंसिडर किया जाता था एज मदर एंड एज फादर उसको क्लासिफिकेटरी बोलते हैं ये हम किनशिप में अलग भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेटरी टर्म ठीक है तो यहाँ पे इसको सेक्स कम्युनिज्म के साथ भी रिलेट किया जाता है पेट्रियर्कल एन टाइप ऑफ फैमिली जहां पे फादर की अथॉरिटी हो मेट्रीआरकल जहाँ पे मदर की अथॉरिटी हो अब जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो ये देखते हैं तो मुझे बताओ पेट्रीआरकल कॉन्सेप्ट फैमिली का नाम किसने दिया था एंड मेट्रीआर की किसने दिया था ठीक है वो नाम आप जल्दी से कॉमेंट्स में लिखो थियोरी ऑफ पॉलीग्रामी की पॉलिग्रामी एग्जिट करती थी दैट मींस अगे मल्टीपल पार्टनर एक वाइफ मेनी हस्बैंड वन हस्बैंड मेनी वाइफ वहां से क्या हुआ आपकी जब उनकी रिपोर्डक्शन वगैरह हो गई आपकी फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ मल्टी फैक्टर थियोरी क्या कहती है कि एक से ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिली के इमर्ज होने के सेटिस्फाई करने के लिए सेक्सुअल नीड्स को एक परमानेंट कोऑपरेशन आपको मिलती है ऑफ स्प्रिंग्स आपको प्रोवाइड होते हैं ठीक है एंड इकोनॉमिक नीड्स पूरी होती हैं आपकी एंड एक पार्टनर मिलता है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जब साथ में मिलते हैं सेक्शुअल नीड्स पूरी हो रही हैं आपको कोऑपरेशन मिल रही है आगे आपकी फैमिली बढ़ रही है इकोनॉमिक नीड्स जो है वो एक दूसरे के आप पूरी कर रहे हो एक पार्टनर आपको मिल रहा है जिसपे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो तो इन सब चीजों से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली जो है वो इमर्ज होता है आगे देखो सिमेट्रिकल एंड ए सिमेट्रिकल फैमिली ये दिया था यंग एंड विलमोट ने ठीक है ये नाम आप याद रख लेना एंड सिमेट्रिकल फैमिली क्या होता है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो होती हैं ठीक है वो इक्वल रिलेशन शेयर करते हैं ठीक है ऑल्डो आज की फैमिली में भी सिमेट्रिकल आपको पूरी कहीं नहीं देखने को मिलेगी हम सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज में रहते हैं अभी इक्कीसवीं सदी में रहते हैं ट्वेंटी सेंचुरी में लेकिन आज भी देखा जाता है जो रोल है ऑल्दो लड़कियां भी कमाती हैं उनका भी से होता है फैमिली में लेकिन फिर भी रोल जो है हस्बैंड का मेल्स का थोड़ा ज्यादा होता है फीमेल से ठीक है फैमिली रनिंग में उनका ज्यादा चलता है फैमिली में उनके उनका ज्यादा आप बोल सकते हो अथॉरिटी होती है आपकी फैमिली पे लेकिन ये काइंड kind ऑफ of जो पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गया है अब वुमेन को भी थोड़ा बहुत बोलने का हक है उनकी भी एम्पावरमेंट फैमिलीज में हो रही है एसीमेचुकल जो बिल्कुल एक तरफा होती है कि वुमेन तो बात ही नहीं करेगी सिर्फ उसको तो क्या करना है बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने बाकी सारा काम कौन देखेगा का हस्बैंड तो वो एसीमेचुकल फैमिलीज होती हैं यंग एंड विल ने क्या कहा था इनको ये क्लासिफिकेशन दी थी और यंग एन ने कहा था चार स्टेजेस में एवोल्यूशन ऑफ फैमिली होती है पहले हुआ प्री इंडस्ट्रियल फैमिली जब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो वो कौन सा टाइम था यूजुअली आपका एग्रेरियन एग्रीकल्चर वाला तो तब की जो फैमिलीज थी उनको बोला जाता था वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन थे एक अगर आ, कोई फार्मिंग में फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में काम करता है तो यूजुअली देखा जाता है हस्बैंड भी वो काम कर रहा होता है वाइफ भी वो काम कर रही होती है फिर वो चिल्ड्रन को भी इन्हीं कामों पे लगाते हैं तो पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे काम करती है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है एंड फिर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया उसमें क्या हुआ अभी एग्रीकल्चर वाला काम खत्म हो गया आदमी उन्हें माइग्रेट किया एंड वो कहाँ चले गए वो इंडस्ट्रियल सेटअप में चले गए काम करने के लिए एज लेबर और पीछे कौन रह गई आपकी फीमेल्स रह गई सिर्फ ठीक है तो वो फीमेल हेडेड फैमिलीज बन गई क्योंकि मेल ने तो माइग्रेट किया ना पहले गांव में रहते थे अब मेल शहर में नहीं रही क्योंकि पूरी फैमिली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है अब आपकी फैमिली बन गई यूनिट ऑफ कंजम्पशन क्या फिर आइसोलेशन ऑफ वाइड इन ग्रुप तो क्या हुआ जब ऐसे ऐसे इस, से इस सेटअप से क्या होने लगा माइग्रेशन होने लगी वहां पे लेबर्स चले गए काम करने के लिए तो फिर हम एक एक स्टेज में आ गए जहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आ गया अब सिर्फ अब सिर्फ लेबर बनने के लिए तो मूव नहीं करते ना इतने आईटी सेक्टर्स में आईटी जॉब्स के लिए मूव करते हैं तो वो पीछे पेरेंट्स को छोड़ते हैं साथ वो किसको लेते हैं वाइफ को और वहां पर उनके फिर चिल्ड्रन होते हैं ठीक है तो एक आइसोलेशन हो जाती है वाइडर किन ग्रुप से आप अपने पेरेंट्स वगैरह रिश्तेदार सारे आपने पीछे छोड़े और एक न्यूक्लियर सेटअप में आप सिटीज में रहने लगे मेट्रो सिटीज में रहने लगे तो ये होम सेंटर्ड फैमिलीज बन जाती है होम सेंटर्ड कौन सी होगी जहां पे न्यूक्लियर सेटअप होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है जिसको हम कंजुगल बॉन्ड्स बोलते हैं ठीक है कंजुगल बॉन्ड्स जो है वहां पे स्ट्रॉन्ग होते हैं कंजुगल बॉन्ड्स कौन से होते हैं जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं एंड जो ब्लड रिलेशनशिप पे होते हैं उनको कंसिन कंसिन बोलते हैं ठीक है ये हम आगे किनशिप में वर्ड्स फिर से देखेंगे अभी यहाँ पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है तो ये हो गया आपका जो फोर स्टेज ऑफ एवोल्यूशन जो किसने दिया था ये फोर स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन दिया था आपका यंग एंड विलमोड ने ठीक है एक बार ही हम इसको ये कर लेते हैं थोड़ा इसको इरेज इस बोर्ड पे इरेज करना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो जाता है मेन रहने दो फिर टाइम ही वेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया इनने क्या क्या दिया था यंग एंड विलमोड ने सिमेट्रिकल एंड ए सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जिसमें हस्बैंड वाइफ का ऑलमोस्ट इक्वल से होता है ऑल दो हंड्रेड परसेंट नहीं है बट काफी हद तक अचीव किया है ए सीमेट्रिकल में बिल्कुल जो वाइफ होती है वो बिल्कुल सब्जुगेट उनको क्या होता है उनके हस्बैंड ने एंड वाइफ का बस काम है बच्चे ये करना बच्चे पालना बच्चे पैदा करना बस फोर्थ स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ने हमें दी प्री इंडस्ट्रियल फिर इंडस्ट्रियल वाली इसमें फीमेल हेडेड फैमिली सामने आई फिर एक स्टेज है आइसोलेशन ऑफ आइडर किन ग्रुप का जिसमें आईटी सेक्टर वगैरह ये सर्विस सेक्टर हमारा बूम होने लगा है न्यूक्लियर सिस्टम में लोग आके जॉब करने लगे तो कंजुगल बॉन्ड्स वहां पे स्ट्रांग होते हैं फोर्थ वन इज द वर्क सेंटर्ड या एमटीएल मैरिजस अब हो गया अब आप काम कर रहे हो अब इतना वर्क सेंट्रिक हो गए हो सिर्फ पैसे कमाने पे आपका मनी माइंड आप बन गए हो एंड आपकी शादी जो है वो सिर्फ नाम की शादी रह गई है आपस में कोई प्यार नहीं है कोई बॉन्डिंग नहीं है ठीक है एफिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऐसी टाइप ऑफ मैरेजेस भी आपको देखने को मिलती है यूजली शहरों में ऐसी ज्यादा होती है जहां पे दोनों बस अपने काम के साथ लगे हुए होते हैं जब ज्यादा आपको इंडिपेंडेंट होने का वो होता है ना कि मुझे तो इंडिपेंडेंट ही होना है वैसी टाइप ऑफ शादियों को बोलते हैं एम टीचर मैरिजेस मॉर्गन ने बद क्लासिफिकेशन दी है कॉन्सेंट गुइन एंड मोनोगी ठीक है कॉन्सनग्विन होती है जो आपकी ब्लड रिलेशनशिप्स पे बनती है And होता है, इसमें दो फॉर एगाम्पल एक ग्रुप होगा फीमेल का एक ग्रुप होगा मेल का फीमेल शादी मेल ग्रुप के शादी से ठीक है अब इसमें एक कंडीशन होती है ये जो फीमेल ग्रुप्स होंगी हो सकता है sisters, cousins, हो, ये आपस में सिस्टर्स कजन सिबलिंगस हो एंड ये शादी करेंगी मेल ग्रुप से जो नॉन रिलेटेड होते हैं या इसका उल्टा हो सकता है इसमें वाइसी वर्षा उसमें क्या होगा मेल जो होंगे आपस में वो ब्रदर्स या सिबलिंग कजनस होंगे एंड वो शादी करेंगे एक ग्रुप ऑफ फीमेल के साथ जो आपस में नॉन रिलेटेड होंगी ऐसी टाइप ऑफ शादियों को हम बोलते हैं ठीक है होती है होती इनको हम सिंगल पेयर फैमिलीज बोलते हैं इसमें क्या होता है आप सेक्सुअल रिलेशनशिप एक पे थोप नहीं सकते हो जबरदस्ती वो आप बिल्ड नहीं कर सकते हो एक फैमिली में फिर पेट्री होता है जो फादर के अथॉरिटी की फैमिली होती है एंड मोनोग्रामी होता है जो सिंगल पार्टनर सिंगल वाइफ सिंगल हस्बैंड के साथ मिलने से उनकी शादी करने से जो फैमिली

एंड कल्चरेशन सोशलाइजेशन को फिर आगे आपका अडल्ट स्टेबलाइजेशन आपको क्या करता है फिर आगे फैमिली आपको फैमिली स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है फैमिली से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है फैमिली से आपके इमोशंस रेगुलेट कराती है फैमिली आपको एक अच्छा जो है ओवरऑल वेलबींग well जो है फैमिली प्रोवाइड करती है आपको स्टेबिलाईज करती है ठीक है तो वो कहा वो किसके ये दोनों फंक्शन किसने कहे थे आपको पार्सन ने फिर कुछ डिस्फंक्शन में कुछ नाम है ये देख लो वो बेल ने कहा था इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड एज फैमिली स्केप गुड की फैमिली में क्या होता है बली का बकरा बनाते हैं बच्चे को एडमंड लीच ने लिखा था फैमिली को एक रन अवे वर्ल्ड है आर डी लैंग ने लिखा था पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नेगेटिव आस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया था डेविड को ने लिखा था डेथ ऑफ फैमिली तो ये कुछ डिस्फंक्शन ऑफ फैमिली के इंपॉर्टेंट की वर्ड्स ये भी आप याद रख लो एंड अपने नोट्स में आप राइट डाउन भी कर सकते हो फिर टाइप्स ऑफ मैरिज अब देखो जितने हमारे टाइप्स ऑफ अच्छा टाइप्स ऑफ फैमिली टाइप्स ऑफ फैमिली के कुछ ये हैं बेसिस क्लासिफिकेशन क्या है जितनी हमारी टाइप्स ऑफ मैरिज है उनके बेसिस पे उतनी फैमिली बनेगी हमने देखा पॉलीगैनस मैरिजेस हैं पॉली एंड्रेस हैं मोनोग मैरिजेस हैं तो जो ये टाइप की शादियां करेंगे एंड जो इनकी फैमिली बनेगी उनको हम यही नाम देंगे पॉलीगाइनी जो करेगा दैट मीन्स एक मेल अगर बहुत सारी फीमेल्स के साथ रहेगा दो या दो से ज्यादा तो जो इस टाइप की फैमिली बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीगैनस फैमिलीज अकॉर्डिंगली आपका एंड्रेस एंड मोनोग फिर फिर रेजिडेंस के रूल्स के बेसिस पे कौन सी टाइप्स ऑफ फैमिलीज बनती है मेट्री लोकल मेट्री लोकल होता है जहाँ पे क्या होता है किसके साथ रहते हैं लड़की जो दुल्हन होती है जो बीवी होती है उसके घर में जाके रहते हैं ठीक है एंड आपका पेट्री लोकल क्या होता है पेट्रीलोकल होता है जहाँ पे जो लड़का है उसके घर में जाके रहते हैं मेट्री लोकल पेट्री लोकल मेट्री लोकल को अग्ज लोकल भी बोलते हैं एंड पेट्रीलोकल को वायरी लोकल भी बोलते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म्स से याद रख लेना फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस जो रेजिडेंस चेंज करता रहता है न्यू लोकल होता है इसमें जो कपल है अपने न्यू रेजिडेंस पे रहते हैं डो लोकल होता है इसमें जो लड़की होती है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है एंड जो लड़का होता है वो अपने घर रहता है अपनी माँ के घर रहता है लड़की अपनी माँ के घर रहती है बाय लोकल में क्या होता है कभी लड़की लड़के के घर रहने आती है कभी लड़का लड़की के घर रहने आता है तो फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस का ही एक टाइप है इसको एमबी लोकल भी बोला जाता है ठीक है डुओ और बाय में कंफ्यूज नहीं हो जाना ये डो और बाय जो है अलग अलग है फिर इनसेस्ट्री डिसेंट के बेसिस पे कहाँ से आप अपनी एनसेस्ट्री डिसेंट डिसेंस अपना ट्रेस करते हो मेट्रीलिनियल मदर साइड से एंड पेट्रिलीनियल फादर साइड से जहां भी मेट्री देखो वो मदर होगा पेट्री होगा वो फादर होगा नेचर ऑफ रिलेशन के बेसिस पे जो फैमिली बनती है कंजुगल होता है जहां पे मैरिटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे मियाँ बीवी के एंड कंसेगुन होता है जहां पे ब्लड रिलेटेड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक है सिबलिंग बॉन्ड या पेरेंट्स के साथ बच्चों का बॉन्ड तो यूजअली ज्वाइंट फैमिलीज में देखने को मिलता है एंड जो कंजुगल है वो आपका न्यूक्लियर फैमिलीज में देखने को मिलता है फिर कंपाउंड फैमिलीज होता है जिसमें अलग अलग डिफरेंट जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो साथ में रहती है चाहे वो आपकी पॉलीगाइनी से जनरेट हुई हो या पॉली एंड्री से जनरेट हुई हो फिर स्टेम फैमिलीज जो होती है ये यूरोपियन पेट्रियारिकल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्टेम फैमिलीज एंड इसमें आपको याद रखना ये किसने दिया था ये लीप लेने दिया था फिर न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली के कुछ टाइप्स देखते हैं पोलिन कॉलेंडर ने हमें दिए थे न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है जिसमें हस्बैंड होगा वाइफ होगी प्लस माइनस चिल्ड्रन अनमैरिड ठीक है इसमें जो चिल्ड्रन है वो अनमैरिड है क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली की बात हैं अगर मैरिड चिल्ड्रन होंगे तो ज्वाइंट फैमिली सेटअप आ जाएगा आपको जो मैंने स्लाइड दी थी कंपाइल्ड पीडीएफ उसमें स्टेटमेंट वाइज है तो स्टेटमेंट वाइज आपको ऐसे पढ़ने में फिर रिविजन करने में अगर दिक्कत हो जाएगी आप ऐसे करके अपने नोट्स बना सकते हो इस फॉर्मेट में फिर सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली एक तो न्यूक्लियर फैमिली है दैट मींस हस्बैंड वाइफ प्लस चिल्ड्रन और सप्लीमेंट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा हुआ है एक्स्ट्रा क्या हुआ है एक रिलेटिव एड हुआ है वो कौन सा रिलेटिव है अनमैरिड विडोड या सेपरेटेड यू डब्ल्यू एस अनमैरिड विडोड या सेपरेटेड ठीक है वो रिलेटिव ऑफ योर पेरेंट्स वो भी साथ में रह सकते हैं वन और मोर तो वो आपका हुआ सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली फिर सब न्यूक्लियर फैमिली क्या हुआ विडो या हस्बैंड चला गया है या विडोवर जो भी है प्लस माइनस चिल्ड्रन प्लस आपका वही अनमैरिड विडो या सेपरेट सिबलिंग आपके साथ रहता है सिंगल पर्सन हाउस होल्ड का पता ही सिंगल पर्सन फिर सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है इसमें न्यूक्लियर फैमिली होती है प्लस आपका जो अनमैरिड डिवोर्स या विडोड रिलेटिव है हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली तो वो कौन सा हो सकता है इसमें कौन सी फैमिली आती है एक तो विडो है प्लस अनमेरिड चिल्ड्रन क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली की ही ये टाइप डिस्कस कर रहे हैं प्लस विडोड मदर इन लॉ तो इंडिया में काफी कॉमन देखने को मिलता है ठीक है तो इसमें एक ग्रुप ऑफ रिलेटिव साथ में रहते हैं जो कभी पार्ट हुआ करते थे एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप के जैसे विडो हो किसी के ये हो गया कोई विडो है और उसके चिल्ड्रन कभी एक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली हुआ करते थे ठीक है न्यूक्लियर फैमिली अब प्लस इनके साथ इनके एक रिलेटिव रहती है या विडोर्ड रिलेटिव रहती है वो कौन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एक विडोर्ड मदर इन लॉ तो जो रिलेटिव जो रिलेटिव है वो विडोड भी हो सकती है या अनमेरिड हो सकते हैं या वो सेपरेटेड भी हो सकते हैं डिवोर्स हो सकते हैं ठीक है फिर हिंदू ज्वाइंट फैमिली हिंदू ज्वाइंट फैमिली यूजली किसको बोला जाता है तीन जनरेशन ऑफ फैमिली जो साथ रहती है मैन हो गया उनके मैरिड सन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ठीक है जो हमें यहाँ भी देखने को मिलती हैं तो इनमें क्या होता है कंजुगल टाइज जो होती है वीक होते हैं कंजुगल टाइज कौन से होते हैं जो आपके मैरिटल पे बने होते हैं मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है वो बॉन्ड थोड़ा वीक होता है ज्वाइंट फैमिलीज में एंड जो फादर सन है जिसको फीलियल बॉन्ड बोलते हैं वो अच्छा खासा होता है एंड जो ब्रदर्स के बीच में बॉन्ड होता है जिसको फ्रटर्नल बॉन्ड बोलते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होता है कंजूमल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है तो क्या क्या रूल्स यूजली हम देखते हैं जॉइंट फैमिली में कॉमन सैलरी दैट मीनस इंटर डाइनिंग इकट्ठे खाना खाते है एक कॉमन रेजिडेंस होता है प्रॉपर्टी जो है वो ज्वाइंटली ओन करते हैं कॉपरेशन होती है आपस में ठीक है एंड रीजनल बॉन्ड्स वगैरह जैसे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह वो इकट्ठे सारे सेलिब्रेट करते हैं एंड उनके सेम गॉड्स होते हैं जॉइंट फैमिली में सारे जो होते हैं एक ही सेंट एक ही गॉड को मानते हैं फिर पॉलिन कॉलेंडा ने हमें टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज भी दी थी ठीक है हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो है जॉइंट फैमिली सेटअप काफी ज्यादा जो है उसको प्रेसिडेंस दी जाती है कोलेटरल जॉइंट फैमिली इसमें आपके टू और मोर जो मैरिड कपल्स हैं वो साथ में रहते हैं मतलब दो बाई दो शादीशुदा भाई साथ में रहेंगे उनको बोलेंगे हम कोलेट्रल ज्वाइंट फैमिली फिर सप्लीमेंटेड कोलेट्रल ज्वाइंट फैमिली है इसमें आपका सीजेएफ कोलेटर ज्वाइंट फैमिली हो प्लस अगेन वही वाला सेपरेटेड ठीक है ये आपका मेल या फीमेल या आपका कोई अनमेरिड सिबलिंग आपके साथ रहेगा तो वो हो गया सप्लीमेंटेड कोलेट्रल ज्वाइंट फैमिली तो एक तो को लेटल ज्वाइंट फैमिली है ही जहां पे सप्लीमेंटेड या सप्लीमेंटरी लिखा होगा वहां पे एक यूडब्ल्यूएस वाला रिलेटिव ऐड हो जाएगा ठीक है फिर लीनियर ज्वाइंट फैमिली हुआ लीनियल हो गया पेरेंट पेरेंट का बाद में मैरिड सन या पेरेंट और मैरिड डॉटर क्योंकि हम वहां पे बात कर रहे थे न्यूक्लियर की तो न्यूक्लियर में हमने देखा अनमैरिड चिल्ड्रन की बात ही हर जगह हुई पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी आपके जॉइंट uh, फैमिली की तो यहाँ पे आपको मैरिड डॉटर या मैरिड सन ही होगा ठीक है सप्लीमेंटेड लीनियर ज्वाइंट फैमिली यही लीनियर ज्वाइंट फैमिली प्लस आपका एक अनमेरिड वि सेपरेटेड नॉन लीनियल रिलेटिव साथ रहता है ठीक है बाद में जो आपके सिबलिंग्स वगैरह होते हैं वो आपके उनको हम कोलेटरल बोलते हैं तो इसमें आपका नॉन लीनियल रिलेशन साथ रहता है दैट मीन्स आपके फादर के जो ब्रदर होंगे तो वो उनका कोलेटरल रिलेशन होगा नॉन लीनियल रिलेशन होगा तो वो होता है सप्लीमेंटेड लीनियर ज्वाइंट फैमिलीज ठीक है तो इसमें आप क्या करोगे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरा वीडियो एक बार सुनो फिर ये वीडियो स्टॉप करो फिर एक बार नोट्स में खुद से लिख लो बिना सुने क्या क्या समझा सप्लीमेंटेड लीनियर ज्वाइंट फैमिली क्या होता है कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली क्या होता है ठीक फिर लीनियर कोलेटरल ज्वाइंट फैमिली इसमें क्या होता है थ्री और मोर कपल्स जो है वो लीनियली एंड कोलेटरी को रिलेटेड वो साथ में रहते हैं तो पेरेंट हो गया प्लस मैरिड सन वन रहेगा मैरिड सन टू रहेगा एंड इनके अनमैरिड चिल्ड्रन ठीक है ये फैमिली का सेटअप है फिर सप्लीमेंटेड लीनियर को जॉइंट फैमिली लीनियर कोलेट सप्लीमेंटेड को लेटरल ज्वाइंट फैमिली इसमें आपके लीनियर को लेटरल ज्वाइंट फैमिली है प्लस आपके वही यूडब्ल्यू रिलेटेड लीनियली और कोलिटरली फॉर एग्जाम्पल इसमें फादर एंड फादर की विद औट सिस्टर ठीक है यह आपकी होगी लीनियली रिलेटेड है कोलिटरली रिलेटेड भी तो क्योंकि लीनियल को जॉइंट फैमिली है तो इसमें आपका वो लीनियल वाला स्ट्रक्चर आ गया फादर एंड सन वाला और प्लस इसमें एक कोलिटरल रिलेटिव साथ में होगा वो आपकी फॉर एग्जाम्पल किसी की बुआ जिनके हस्बेंड की डेथ हो गई होगी फाइन इसमें आप एक और बात याद रखना वो शायद वीडियो में गलत हो गई थी क्योंकि वो इग्नो में जो लिखा हुआ है थोड़ा वहां पे उसमें मुझे डाउट है वो सही है कि नहीं ऑथेंटिक हमेशा नहींग्नो को ही मानते हैं लेकिन यहाँ पे जो डाउट है ये बिल्कुल मतलब काफी क्लियर है वो चीज तो जो सिबलिंग्स होते हैं आपस में कोलेटरल रिलेशन होता है जैसे आपके निफ्यूनीस वगैरह फिर उनके सिबलिंग्स के बच्चे निफ्यूनिसेस वगैरह वो कोलेटरल होता है एंड जो आपके पेरेंट है जैसे फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड चिल्ड्रन वो लीनियल होता है ठीक है तो ये चीज भी याद रख लेना फिर हो गया सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस ये हमारा दो टाइप का होता है कि इनहेरिट प्रॉपर्टी कैसे होती है एक हो गया मिताक्षरा मिताक्षरा में क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो है वो सन को ही प्रॉपर्टी मिलती है मतलब सन को हक है बाय बर्थ वो प्रॉपर्टी लेने का लेकिन दया बागा में जो फादर है वो एब्सोल्यूट ओनर होता है तो वो उनके अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है तो बंगाल और आसाम में दया फॉलो होता है उसके बाद हमारे पास आया हिंदू सक्सेशन एक्ट और थोड़ा प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी उस प्रिंसिपल को यूनिफॉर्म बनाया गया ये एक्ट आने से पहले यही दो स्कूल जो है वो फॉलो होते थे इसमें अगर जो हस्बैंड है या जो फादर है उनकी डेथ होगी और कोई विल नहीं है तो इक्वल शेयर हो जाएगा बिटवीन सन विडो के बीच में डॉटर के बीच में मदर के बीच में ये उस केस में हुआ अगर वो मर जाएंगे बिना कोई विल छोड़े ठीक है फिर इसको ऐड किया गया 2005 में और बोला गया कि जो विमेन है उनको कॉपरसनरी स्टेटस दे दो विद इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द प्रॉपर्टी कॉपरसनरी स्टेटस क्या होता है ये पहले सिर्फ सन के पास था दैट मींस देखो जो हमने यहाँ अभी तक पढ़ा हमने पढ़ा कि विल अगर नहीं रखी होगी और डेथ हो जाएगी तो कॉपरसनरी स्टेटस में क्या होता है सन को बाय बर्थ हक है कि वो प्रॉपर्टी कभी भी डिमांड कर सके तो वो कॉपर्सनरी राइट पहले सिर्फ सन के पास था फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट को 2005 में अमेंड किया गया और कहा अब लड़कियां भी जो है वो कॉपरेशनर्स कंसीडर की जाएंगी ठीक है उनको भी कॉपर्सनरी राइट दिया जाएगा दैट मीन्स बाय बर्थ उनके पास भी राइट है वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी डिमांड प्रॉपर्टी शेयर जो है वो डिमांड कर सकती हैं फिर आगे मेट्री आर्कल पेट्री फैमिलीज ये आपको पता है क्या होगा फादर अथॉरिटी मदर अथॉरिटी वाली फैमिली तो इनके ये एग्जाम्पल्स देखो ट्राइब कहाँ फॉलो होती हैं ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आए हैं पी वाई क्यूज में आगे भी आने के चांसेस हैं नंबूदारी ऑफ मालाबार इनको इलॉम बोलते हैं ऐसी फैमिलीज को मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर अंगमी नागास पेट्री है मेट्री में नायर एंड गारोस ठीक है देख लेना जो नायर का फैमिली सेटअप है मेट्री आरकर उनको तरवत बोला जाता है एंड जो नंबूदारी का है उनको इलॉम बोला जाता है ठीक है ये भी याद रख लेना एंड एंड गारो तो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में आप अपने नोट्स बनाओगे मेरे उन कंपाइल्ड पीडीएफ से तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रिवीजन और कुछ टाइप्स ऑफ फैमिलीज में मैंने कुछ अटैच की थी पिक्स तो वो मेरे आप लेक्चर नंबर सेवन से देख लेना वो लेक्चर के टुवर्ड्स एंड जो है आपको वो मिल जाएंगी फिर हो गया फैमिली मैरिज खत्म अब हमारा बचता है किनशिप तो जो किनशिप क्या होता है कुछ भी नहीं दिस इज योर रिलेटिव आपके रिलेशन रिश्तेदारी तो वो रिश्तेदारी दो बेसिस पे हो सकती है या तो शादी आपने की है मैरिज तो उसको एफिनल टाइप ऑफ किनशिप बोलते हैं जिसमें आपकी जो वाइफ है उनके रिलेटिव भी आपके रिलेटिव बन गए वो वाले रिलेशन एंड जो आपके बाई ब्लड अपने खून के रिश्तेदार है खून के ठीक है तो वो आपके गोइंस हो गए तो इसको हम किनशिप को कैसे आगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं वो दो चीज़ों पे बेस होता है पहले हो गया आपका डिसेंट थ्योरी होती है एंड सेकंड वन इज एलायंस थ्योरी डिसेंट थ्योरी दैट मीन्स अपना प्रॉपर्टी स्टेटस वगैरह वो कहाँ से आप ट्रेस करते हो वो फादर लाइन से करोगे तो पेट्रिलीनियल मदर लाइन से करोगे तो मेट्रीलिनियल डो लाइन डबल लाइन से करोगे दैट मीन्स कुछ फादर का कुछ ब्रदर का उनको डो लाइनल डो लिनियल एंड बाइलिनियल भी बोलते हैं कोग्नेटिक हो गया इसमें भी आप दोनों साइड से ट्रेस करते हो लेकिन इक्वल एट्रीब्यूट करते हो जितना फादर के साइड से ट्रेस करोगे उतना ही मदर के साइड से भी अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रेस करोगे ठीक है डबल में जैसे इमूवेबल फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी कार होगी ज्वेलरी होगी वो अपने मदर के साइड से की और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल वो फादर के साइड से करो जिससे लैंड वगैरह इसमें क्या होता है जितना आप इसके फादर के साइड से करोगे उतना ही आपको सेम मदर के साइड से भी ट्रेस करना होगा ठीक है वो प्रॉपर्टी तो पैरल होता है जैसे ये सेक्स स्पेसिफिक हो गई फादर से ट्रेस हो जाएगी सन को एंड वाइफ से हो जाएगी मदर को सॉरी वाइफ से हो जाएगी डॉटर को ठीक है एंड क्रॉस में क्या होता है ऑल्टरनेटिव होता है फादर से हो जाती है डॉटर को एंड जो ये है वाइफ उनसे हो जाती है सन को तो ये वाली जो दो है ये रेयरली फॉलो होती है फिर अलायंस थ्योरी होती है जो ये वाली थ्योरी फॉलो करते हैं जो स्कॉलर्स वो किनशिप ग्रुप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज आपका क्या रहेगा ठीक है इसके आगे हमें कुछ टाइप्स नहीं पढ़ने लेकिन ये वाले जो है ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं रॉबिन फॉक्स ने हमें चार बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे किनशिप के वो क्या थे वुमेन हैव चिल्ड्रन ठीक है मेन जो है वो इम्प्रेग्नेट करते हैं वुमेन को मेन जो है यूजुअली वो एक्सरसाइज करते हैं फैमिली पे कंट्रोल और जो प्राइमरी किन्स हैं दे डू नॉट मेट विद ईच अदर प्राइमरी किन्स हो गए हमारे आठ टाइप के होते हैं जैसे आपके ब्रदर सिस्टर वगैरह जो आपके सबसे क्लोज होते हैं ब्लड वाले वो आपके प्राइमरी किन्स होते हैं फादर मदर ठीक है वो प्राइमरी किन्स फिर आगे आपके और दो टाइप के होते हैं एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स ठीक है एग्नेट्स होता है वो वाले किन्स जो आप अपने पेट्रीलिनियल साइड से सिर्फ ट्रेस करते हो कॉग्नेट्स होता है जो आपके क्लोज ब्लड किन्स होते हैं क्लोज ठीक है वो आप चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जैसे आपके पुफी की बेटी वो भी आपकी कॉग्नेट हो गई एंड आपके पुफ पुफी का बेटा वो भी कॉग्नेट हो गया तो उसमें मेल फीमेल का कोई बार नहीं रहता है उसमें आप जो क्लोज बॉन्ड किन्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं और एग्नेट्स होते हैं सिर्फ जो आप पेट्रिलीनियल साइड से ट्रेस करते हो

ग्रैंड चिल्ड्रन ये लीनियल होते हैं एंड कोलेट्रल क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कोलेट्रल होता है सिबलिंग्स नेफ्यू नीस वगैरह ये कोलेट्रल की एग्जाम्पल है तो फादर्स ब्रदर मदर्स सिस्टर अंकल आंट उनके बच्चे कजन वो सारे आपके क्या हुए वो वाले टाइप के रिश्तेदार वो आपके कोलेट्रल किन्स होते हैं फिर टर्म्स ऑफ एड्रेस मर्डर ने दो टाइप के टर्म्स ऑफ एड्रेस दिए थे हमें कि कैसे करके हम अपने किन्स को बुलाते हैं पहला टर्म ऑफ एड्रेस है एंड दूसरा टर्म ऑफ रेफरेंस है टर्म ऑफ एड्रेस है जैसे आप डायरेक्टली बोलते हो नाना आपको बात करनी है नाना से नाना टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिसको आप प्रेफर करते हो आप जैसे अपने फ्रेंड को बोल रहे हो ये मेरी मामा की सिस्टर है ये मेरी मासी है ये मेरे फादर के ब्रदर हैं ठीक है थीके? वो हो गया टर्म ऑफ रेफरेंस फिर रेंज ऑफ एप्लीकेशन मॉर्गन ने दो दिए थे क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेटरी होता है आप एक टर्म यूजली सबके लिए यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल अंकल आप दूध वाले को भी अंकल बोलते हो आप नेबर को भी अंकल बोलते हो आप चाचू को भी अंकल बोलते हो ऐसे टर्म्स डिस्क्रिप्टिव हुआ जो आप पर्टिकुलर रिलेशन के लिए यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल पापा पापा आप सबको नहीं बोल सकते ना पापा आप किसी एक को ही बोलोगे तो उनको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं एंड हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ किनशिप है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शी प्राइमरी हो गई जो आपके प्राइमरी किन्स होते हैं जैसे आपके मदर फादर सिस्टर ब्रदर ठीक है क्लोज रिलेशनशिप्स आपके वो आपके प्राइमरी किन्स होते हैं सेकेंडरी किन कौन हुए जो आपके प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन्स होते हैं प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन्स फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर आपकी प्राइमरी किन है और मदर की जो सिस्टर है आपकी मासी वो आपकी मदर की प्राइमरी किन है ना मदर की सिबलिंग है तो आपकी वो सेकेंडरी किन हुई ठीक फिर टर्सरी किन क्या हुआ यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ वो भी आपके प्राइमरी किन्स होते हैं ठीक है अब ये मदर सिस्टर ठीक है अब मासी जो है मदर सिस्टर मदर सिस्टर मासी मासी लिख लेते हैं सीधे जो आपकी मासी है वो आपकी सेकेंडरी किन हुई क्योंकि वो आपकी मदर आपकी प्राइमरी किन की प्राइमरी किन है अब जो मासी का प्राइमरी किन है वो आपका टर्शरी किन है मतलब आपके सेकेंडरी किन का टर्श आपके सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन आपका टर्शरी किन है सेकेंडरी किन के सेकेंडरी किन का जो प्राइमरी किन है वो आपका टर्शरी किन है अब मासी आपकी सेकेंडरी किन हो गई एंड सेकेंडरी किन की प्राइमरी किन कौन है मासी का जो हस्बैंड है खालू आपका वो आपके सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन है तो वो आपका टर्शरी किन है ठीक है तो ये हमें 151 फिफ्टी वन है हमारे पास टोटल एंड सेकेंडरी किन थर्टी थ्री है एंड प्राइमरी किन्स जो है आपके वो आठ है ये हो गया आपका प्राइमरी फिर क्लान क्या होता है यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप या एनसेस्टर इसमें पता नहीं होता है क्लैन इज नथिंग बट योर गोत्र जिसमें आपको एनसेस्टर का पता नहीं होता तो आप ट्रेस करते हो किसी एक मेथिकल फिगर से ठीक है वो मेथिकल फिगर जो है वो एक सेंट भी हो सकते हैं वो कोई आ, प्लांट हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है स्टोन हो सकता है फिर फ्रैटरी क्या होता है ग्रुप ऑफ क्लैंस बाय कॉमन डिसेंट ठीक है चाहे वो फादर का साइड से हो या मदर साइड से हो मोइटीज होता है जब एक सोशल ग्रुप को दो हाउस में डिवाइड करो उनको हम मोइटीज बोलते हैं तो इनको डुअल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला है कुछ स्कॉलर्स ने कुछ स्कॉलर्स ने इनको एक्जोगेमस ग्रुप भी बोला है दैट मीनस उनको ग्रुप को फिर आउटसाइड ग्रुप जो है वो शादी करनी होती है उन हाउस को फिर किनशिप यूजेज किनशिप यूजेज के कुछ टर्म्स हैं किनशिप ऑफ अवॉइडेंस अवॉइडेंस वो वाला रिलेशनशिप है जिनके साथ आप थोड़ा बार मेंटेन करके रखते हो उनको थोड़ा अवॉइड करते हो जैसे सन इन लॉ एंड मदर मदर इन लॉ का रिलेशन हुआ ठीक है तो आपको मेरे कंपाइल्ड पीडीएफ पे क्या करना होगा वो जाना होगा एंड आपको इनके ट्राइब्स के नाम देखने होंगे कहाँ कहाँ ये फॉलो होता है एंड जोकिंग रिलेशनशिप हुआ जिसमें थोड़ा मजाक या वो मसी मजाक हंसी मजाक वो थोड़ा सेक्शुअल नेचर का भी हो सकता है वैसे टाइप ऑफ जोकिंग रिलेशन चलता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जीजा साली बहुत कॉमन है फिर एवं फैमिली कोविड एंड टेक्नोनॉमी एवंट फैमिलीज होती हैं वो वाली फैमिली जहां पे आपके मामू की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर फादर तो ये किन फैमिलीज में होगा ऑब्वियसली जो पेट्रिलियल फैमिलीज होंगी ठीक है तो वहां पे मामू का ज्यादा चलता है मामू की मामू का इन्फ्लुएंस होता है नॉट योर फादर्स ये कहाँ यूजुअली होता है टोल ब्रेंडर आइलैंडर्स में नायर्स में फॉलो होता है एमिटेट होता है जहां पे आपकी बुआ की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है नॉट योर मदर्स तो ये किन टाइप का फैमिली में होगा ये पेट्रोलिनियल फैमिलीज में होगा ये टोडास फॉलो करते हैं कोविड एक टाइप है जिसमें क्या होता है देखो अगर जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना तो उनको कुछ डाइट लेनी पड़ती है प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के बाद सिक डाइट लेनी पड़ती है कुछ ऑब्जर्वेशंस रखनी पड़ती है किस तरीके से चलना है उठना बैठना है तो कोविड फैमिली में कोविड फैमिली टाइप में क्या होता है जो हस्बैंड होते हैं उनकी वो भी वही सेम रूल्स रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं जो उनकी वाइफ के लिए होता है मतलब वो भी वही सिक डाइट लेंगे वो भी वही वैसे उठेंगे बैठेंगे एंड कई ट्राइब्स में तो वो थोड़ा वेट भी अपने पेट के इर्द गिर्द बांध के रखते हैं फील करने के लिए कि वाइफ को कितना वेट कैरी करना पड़ता है तो ये भी आपकी जो मेट्री अथॉरिटी वाली फैमिलीज होती है मदर अथॉरिटी वाली उनमें देखा गया है कोविड तो टोडास खासी नायर्स वगैरह ये फॉलो करते हैं तो इसमें और भी ट्राइब्स लिखी होंगी मैंने शायद पी में ये खासकर इंडियन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं तो ये आप जरूरी याद रखोगे अगर उतनी सारी याद नहीं भी रखनी है तो टेक्नोनॉमी क्या होता है टेक्नोनॉमी एडवर्ड टाइलर ने ये दिया था ई e बी टाइलर ने याद रख लेना ये वो टाइप ऑफ किनशिप यूसेज बोलो या फैमिली बोलो या किनशिप बोलो जिसमें जो वाइफ होती है वो डायरेक्टली अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं जैसे अभी भी इंडिया में होता है ना ऐसा कि डायरेक्टली अपने पति का नाम नहीं लेते तो फिर उनको बच्चों के नाम से रेफर करते हैं कि इसके पापा उसके पापा करके बुलाते हैं तो उसको हम टेक्नोनोमी बोलते हैं ये किसने दिया था एडवर्ड टाइलर ने एंड ये होपी ट्राइब्स में उन्होंने देखा था आगे देखते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं कुछ एलडेस्ट सन सन को अगर प्रॉपर्टी मिलती है फादर से मतलब फादर से अगर एलडेस्ट सन ट्रेस होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमोजेनेचर ठीक है प्राइम अगर यंगेस्ट सन या डॉटर से ट्रेस होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्टीमोजेनेचर याद रख लेना जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस है वो हमें किसने बताया था विजय स्वरा ने एंड दयाबागा किसने बताया था जिमुत वहाना ने ठीक है इसमें क्या होता है मिताक्षरा में सन को मिलती है प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट एंड दयाबागा में फादर की जो है इसमें मर्जी होती है उसको ज्यादा उसकी ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी पे खासीज में क्या करते हैं जो खास मेघालय की ट्राइब है तो वहां पे जो यंगेस्ट डॉटर है उसको बोला जाता है ककदू ठीक है ये भी टर्म याद रख लेना किनशिप से रिलेटेड है एंड मैंने आपको कहा था पेट्रिलीनियल किन्स हमने अभी पढ़ा था जो पेट्रिलीनियल से जो ये करते हैं डिसेंट होते हैं उनको एग्नेट्स बोलते हैं एंड हमने इसके साथ दूसरा क्या पढ़ा था कॉग्नेट्स जो क्लोज इन जो कम्स एंड रिलेशनशिप्स होते हैं क्लोज किन बॉन्ड्स आपके जो होते हैं ब्लड रिलेशनशिप पे बने होते हैं क्लोज किन ग्रुप्स आपके कंसनगुनस बॉन्ड्स पे जो बने होते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वैसे ही जो मेट्रीनल साइड के किन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ठीक है ये याद रखना यूटरीन एंड एग्नेट्स एग्नेट कॉग्नेट में कंफ्यूज नहीं होना कॉग्नेट अलग है एंड यूटरीन अलग है तो इसका जो ऑपोजिट आता है एग्नेट का वो यूटरीन है ठीक है तो यहाँ पे यूनिट फोर का रिविजन कंप्लीट हो गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट से जल्दी रिवाइज करेंगे हम यूनिट फाइव सोशल चेंज सोशल चेंज क्या होता है बेसिकली आपकी सोसाइटी एक टाइप की होती है देन ओवर टाइम कुछ टाइम के बाद उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप कुछ चेंजेस देखते हो वो चेंजेस चाहे उसके इन इंस्टीट्यूशन में जैसे इकोनॉमी में वहाँ की फैमिली स्ट्रक्चर में वहाँ के रिलीजन में या वहाँ के स्ट्रक्चर में या वहाँ के पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन में आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी तो जरूरी नहीं ये चेंजेस जो है वो प्रोग्रेसिव हो और हमेशा पॉजिटिव हो ये चेंजेस रिग्रेसिव भी हो सकती हैं नेगेटिव चेंजेस भी हो सकती हैं तो इस सारे को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं सोशल चेंज ठीक है change, तो जैसे आपकी इकोनॉमी पहले हमने पढ़ा हम पढ़ते हैं इसमें सोसाइटी में पढ़ते हैं जजमानी सिस्टम सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं जजमानी तो जिसमें क्या होता था लो कास्ट हायर कास्ट को सर्व करता था और उसके बदले वो उसको कुछ ग्रेन्स वगैरह फूड ग्रेन्स वगैरह दे देता था उसके बाद क्या हुआ आपकी मनी इकोनमी आ गई ठीक है तो ये ओवर टाइम हमने इकोनॉमी में चेंज देखा फैमिली में चेंज हुआ पहले ज्वाइंट था फिर न्यूक्लियर आया अब हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप वाली फैमिलीज भी आ गई हैं लिव इन रिलेशनशिप और उनको भी गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दिए हैं रिलीजन में चेंज देखने को मिलेगा आपको ठीक है तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ओवर टाइम चेंज होता रहता है एंड अकॉर्डिंगली जो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन है आपका वो भी चेंज हो जाता है अब चेंज प्रोग्रेसिव भी हो सकती है रिग्रेसिव भी प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ आप साइंटिफिक सोसाइटी बन रहे हो एंड रिग्रेसिव का मतलब वो आप पहले आप साइंटिफिक थे सेक्यूलर लिबरल थे और अब कम्युनलिज्म की तरफ जा रहे हो आप सोसाइटी बन रहे हो तो उस चेंज को हम पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे ना जहाँ सोसाइटी में जहाँ पे कम्युनल राइट्स होने लगे ठीक है एंड वैसी वाली जो टेंडेंसीज है वो डेवलप हो दैट मीनस अब कहीं ना कहीं वापस जो है वो रिग्रेसिव नेचर की तरफ जा रहे हो तो हमें सोशल चेंज बाई डायरेक्शनल देखने को मिलती है पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी कैरेक्टरिस्टिक जो सोशल चेंज है वो कॉन्टीन्यूस है ऐसा नहीं है आज है तो कल बस रुक गई आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे सोसाइटी थी वो काफी अलग होगी आपके पेरेंट्स के टाइप की सोसाइटी से एंड पेरेंट्स की सोसाइटी काफी अलग होगी आपके अभी करंटली सोसाइटी से एंड जो आपके चिल्ड्रन है जो हमारे बच्चों को सोसाइटी देखने को मिलेगी वो काफी अलग होगी उस सोसाइटी से जिस करंटली हम सोसाइटी में अभी है तो ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है ये टेम्पोरल होता है दैट मीन जो चेंजेस होती हैं सोसाइटी की टाइम स्पेसिफिक होती हैं जैसे एक सेंचुरी में आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेंगी ठीक है फिर दूसरी सेंचुरी में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल कभी सती प्रैक्टिस होती थी किसी एक सेंचुरी में फिर आहिस् आहसे ये खत्म हो गई आपने ये चेंज देखा एंड हमारे पास एक टाइम आ गया जब इंटरनेट का टाइम आ गया ठीक है इंटरनेट का टाइम आ गया जब इंटरनेट का टाइम आ गया फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि आपने साइबर रिलेटेड चेंजेस देखी सोसाइटी में साइबर रिलेटेड चेंजेस तो स्कैनिंग का क्या मतलब है ये जो सोसाइटी में चेंजेस होती हैं ये किसी टाइम के अंडर आती हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं एनवायरमेंटल चेंजेस हम देखते हैं सोसाइटी में एनवायरमेंटल इज आपके सराउंडिंग्स में चेंज आ रही है सराउंडिंग्स तो चाहे वो चेंज आपकी जोग्राफिकल लोकेशन की चेंज होने की वजह से होगी दैट मीन्स आपने मोबिलिटी हो गई आपकी ठीक है आपने मूव किया एक जगह से दूसरी जगह या वो चेंज आपके कल्चर में जिस कल्चर में आप करंटली रहते हो आपके आसपास वाला कल्चर उसके चेंज होने की वजह से सोसाइटी में चेंज आई तो वो आपका एनवायरमेंटल होगा ये ह्यूमन चेंज होता है क्योंकि सोसाइटी चेंज होने का मतलब क्या है जब हम सोसाइटी कहते हैं चेंज हो रही है बेसिकली आप चेंज हो रहे हो ठीक है पहले सोसाइटी में फॉर एग्जांपल होमोगेम या सेम सेक्स मैरिज जिसको सही नहीं समझा जाता था लेकिन अब सोसाइटी में ऐसी चेंजेस आ रही हैं आपके अंदर चेंज आ गई है आपने एक्सेप्टेंस दी है एल कम्युनिटी को ठीक है तो ह्यूमन चेंज हो गई चेंज रिएक्शन हो गया एक चेंज आ गई उसकी वजह से दूसरी चेंज आ गई फॉर एक्साम्पल पहले इंटरनेट का टाइम नहीं था फिर इंटरनेट आया ठीक है इंटरनेट आ गया वो भी एक टाइप ऑफ सोशल चेंज हो गई इंटरनेट के आने की वजह से क्या हो गया ऑनलाइन मूवमेंट्स जो है वो लॉन्च होने लगी जैसे आपकी मीटू मूवमेंट्स वगैरह वो सारे आपके साइबर चेंज इंटरनेट के आने की वजह से ही ज्यादा सामने आई थी मीटू मूवमेंट तो बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू ही सामने आया था तो चेंज रिएक्शन है एक जगह चेंज आती है उससे दूसरी जगह चेंज आ जाती है इन रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज ठीक है किस रेट से चेंज हो रही है एंड किस स्पीड से चेंज हो रही है एंड किस डायरेक्शन में हो रही है जो मैंने आप पॉजिटिव भी हो सकती भी. है नेगेटिव भी प्लान चेंज होता है अनप्लान चेंज होता है प्लान जो आपने प्लान करके चेंज ला रहे हो कि सोसाइटी में आप ये चीज करोगे उससे ये चीज हो जाएगी जो एक ऑर्गेनाइज वे में आएगी एंड अनप्लान चेंज है कहीं पर अर्थक्वेक आ गया फॉर एग्जाम्पल तो उनका कैसा आप आगे का सेटअप क्या करना होगा तो ये हो गया जो किसी अनप्लैंड इवेंट की वजह से आकर होती है लॉन्ग टर्म चेंज इसके लॉन्ग टर्म एम्प्लिकेशन है शॉर्ट टर्म जो आपको जल्दी जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है एंड सोशल चेंज इज ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि जो हमें सोशल साइंटिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं वो बस हमें बोलते हैं कि सोशल चेंज हुई है वो किसी चेंज को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते वो उसमें अपनी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते हैं कि अपनी सब्जेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं ठीक है अपनी इंटरप्रिटेशन अपना मीनिंग उसमें पुट नहीं कर सकते हैं वो बस हमें बोलेंगे सोशल चेंज हो रही है तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है इसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है ना कि सब्जेक्टिव थर्टी नाइन हो गया आपका एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज सोशल चेंज जो है वो इंटरनल भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है इंटरनल चेंज जो इंटरनल रीजन रीजन की वजह से हो फॉर सोसाइटी के अंदर कोई स्ट्रेस आ गया कॉन्फ्लिक्ट आ गया कोई पोलिटिकल चेंजेस आ गई उस वजह से अगर सोसाइटी में चेंज आई तो उसको इंटरनल कॉजेस बोला जाता है एंड नाम क्या है उस चेंज का एंडोजेनस और ऑर्थोजेनेटिक ठीक है एक्सोजेनस होता है जो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से आता है फॉर एग्जाम्पल वॉर्स की वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो रीजन आपके हाथ में नहीं है उनको एक्सोजेनस या बोला जाता है फिर कुछ थ्योरीज है थे सोशल चेंज की एक लीनियर थ्योरी इसको एवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोला जाता है लीनियर होता है जो इस फॉर्मेट में चलता है ठीक है पहले एक स्टेज आई फिर दूसरी स्टेज आई फिर तीसरी आई फिर चौथी आई तो ऑगस्ट कॉम्टे ने हमें दी थी लीनियर मॉडल ऑफ सोशल चेंज उसमें उन्होंने कहा था थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड योर साइंटिफिक ठीक है थियोलॉजिकल सोसाइटी कौन सी होती है पहले इनका कहना था पहले गॉड सेंट्रिक सोसाइटी थी जहां पे हर चीज की एक्सप्लेनेशन थी कि गॉड की मर्जी है ठीक है गॉड को सेंटर रख के आप हर चीज को एक्सप्लेन करते थे उसके बाद आपके आ गया मेटाफिजिकल मेटोफिजिकल हो गया मेटाफिजिकल एलिमेंट्स दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आप एक्सप्लेनेशन देने लगे फिलोसोफिकल बातें करने लगे कि यूनिवर्स की मर्जी कॉस्मॉस ऐसी सारी बातें ठीक है उसके बाद आ गया आपकी साइंटिफिक जो करंट आपकी लॉजिकल रैशनल नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है तो ये था ऑगस्ट कॉमटे का बोलना हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था ये हमें पढ़ा हुआ है अलग अलग जगह ठीक है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में पढ़ा है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल मिलिटेंट आपकी अर्ली सोसाइटी थे जहां पर वॉर्स वगैरह कॉमन थी आपकी वॉयलेंट सोसाइटी थी ठीक है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई जिसमें थोड़ा पीस वगैरह आ गया, गया सोसाइटी में ईबी बी टाइलर ने दिया कहा लीनियर मॉडल ऐसे चला पहले आपका एनिमिज्म पॉलिथिज्म एंड एनिमिज्म क्या हो गया बेसिकली क्या कहते ते हर चीज चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो उनके अंदर कोई सोल या स्पिरिट प्रेजेंट होती है ठीक है फिर पोलिथिज क्या हुआ जो वो लोग जो मेनी गॉड्स को मानते हैं उनका अल्टीमेटली कौन सी वाली चेंज कौन सी सोसाइटी जो है प्रेजेंट वाली चलेगी वो मोनिज्म होगी जो क्या करेंगे सिंगल गॉड पे बिलीव करते हैं सिंगल गॉड ठीक है तो ये था ईबी e. टाइजर का कहना फिर फर्ड टोनीज ने दिया था कहा पहले जेमिन शार्ट थी फिर जैसे जमिन शार्ट होती है जो आपकी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी होती है ये भी हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है सारी जो uh, ट्रेडिशनल यूनिटी सॉलिडारिटी वो यहाँ से इससे रिलेटेड है एंड जैसल शाफ्ट इज इस इसको एसोसिएशन भी बोला जाता है एसोसिएशन बेस्ड या सोसाइटी बेस्ड तो ये आपकी वो मॉडर्न टाइप की सोसाइटी है जिसमें क्या होगा ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दोगे आप इंडिविजुअल को और ना कि ग्रुप को ठीक है सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी सेल्फ सेंट्रिक सोसाइटी वो आपकी जैसल शाफ्ट हुई फिर रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा फोक से हम कहाँ पे आ गए अर्बन सोसाइटी में इमाय दुरखे ने दो टाइप ऑफ सॉलिडारिटी की बात की मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी का पुरानी सोसाइटीज में क्या होता था मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती थी और नई सोसाइटीज में क्या होता था ऑर्गेनिक सोलिडारिटी होती थी तो ये पुरानी सोसाइटीज कौन तो सी होती थी ये वो वाली सोसाइटीज हैं जहाँ पे जो डिविजन ऑफ लेबर था वो कम था एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी थी उन सोसाइटीज में जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा था अब डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है मैं, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है दोबारा करती हूँ एक काम को अगर एक टास्क को हम स्प्लिट करते हैं वेरियस टास्क में उसको हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल घर चलाना आपका डेली का घर वो एक टास्क है लेकिन आप उसको स्प्लिट कर देते हो मदर कोई काम कर रही है चिल्ड्रेन कोई काम कर रहे हैं फादर कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज डिविजन ऑफ लेबर इन योर फैमिली या मैं हमेशा एग्जाम्पल मोबाइल फोन की देती हूँ मोबाइल फोन हर जगह एक मतलब एक फैक्ट्री से एक मोबाइल फोन नहीं आता है ये असिम्बल होके बनता है कहीं पे इसका कोई पार्ट बन रहा होता है कहीं इसकी आईसीज बन रही होती है ठीक है कहीं पे इसकी बैटरी वाला काम हो रहा होता है कहीं इसका बाकी हार्डवेयर मादरबोर्ड वगैरह वो काम हो रहा होता है तो कहीं इसका स्क्रीन का काम हो रहा होता है तो वो सारी चीजें जो है काम आप एक एक्टिविटी दैट इज मोबाइल बनाना उसको कंप्यूटर बनाना कंप्यूटर की कहीं पे कहीं आईसी बन रही है कहीं मादरबोर्ड स्क्रीन बन रहा है कहीं सीपीयू बन, बन रहा है तो आप उसको क्या करते हो स्प्लिट करते हो वेरियस एक्टिविटीज में गोल आपका एक अचीव करना होता है एक कंप्यूटर बनाना ठीक है तो इसको हम डिविजन ऑफ लेबर कहते हैं इन्होंने क्या कहा था पुरानी जो सोसाइटी थी उसमें डिविजन ऑफ लेबर कम था ये वो सोसाइटी लाइकनेस पे बेस्ड थी एक ही काम सारे करते थे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गुरु होता ठीक है तो आपका इलाज भी वही करता था हकीम भी वही था आपको पढ़ाता भी वही था आप काउंसलिंग के पास भी उसी के पास जाते थे तो वो टाइप ऑफ सॉलिडारिटी जो उस वजह से थी लाइकनेस की वजह से उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी अब दूसरी टाइप ऑफ सॉलिडारिटी इन्होंने कहा वो थी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडिटी ऑर्गेनिक कौन सी है ये मॉडर्न सोसाइटीज में थी जहां डिविजन ऑफ लेबर हाई हुआ अभी ये वाली सोसाइटी समझो जहाँ पे कंप्यूटर बन रहा है मॉडर्न सोसाइटी है अब डिविजन ऑफ लेबर हाई है आपने एक काम को डिवाइड किया इतने सारे कामों में लेकिन इनके बीच में क्या है इनके बीच में डिफरेंसेज है लेकिन इंटरडिपेंडेंस है इंटरडिपेंडेंस है दैट मीन्स अगर आपको मोबाइल फोन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए आपको पूरा का पूरा चाहिए तो सिर्फ क्या आप स्क्रीन जो बनाता है उसका वो स्क्रीन बना के सिर्फ बैठ सकता है उसको डिपेंड करना है उस इंसान पे जो उसके अंदर की आईसीज़ भी बनाए उस आईसी वाले को डिपेंड करना है फाइनली उस इंसान पे जो उसकी बैटरी भी बनाए तो ऑल दो काम जो है वो डिवाइड हो गया है लेकिन वो काम जो है वो एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है उनको आपस में एक सॉलिडारिटी जो है मेंटेन करके रखनी है तो उस टाइप ऑफ सॉलिडारिटी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ये मैंने लेक्चर्स में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है बट जस्ट इन केस आप वो वाले स्टूडेंट हो जिसने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैंने थोड़ा यहाँ पे बता दिया फिर हम देखते हैं मॉर्गन मॉर्गन ने दिया था सेवेजरी बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन ये तीन टाइप के चेंजेस ऐसे आई थी सेवेज बिल्कुल पुरानी सोसाइटीज जो मतलब बिल्कुल बुरी सोसाइटीज टाइप ऑफ जिनको सही गलत का कुछ पता नहीं था वैसे टाइप ऑफ सोसाइटीज बोला फिर बार्बरे का ये भी वही वॉयलेंट सोसाइटीज ही थी ज्यादा कुछ खास नहीं था एंड जो मॉडर्न सोसाइटीज थी उसको सिविलाइजेशन आपकी नॉलेज रैशनालाइज्ड रैशनल बेस्ड सोसाइटीज से इनमें इक्वेट किया था तो मॉर्गन ने ये टर्म यूज़ की थी सेवेजरी बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन फिर साइक्लिकल थियोरी साइक्लिकल थ्योरी क्या होता है अभी तक हमने देखे लीनियर थियोरीज ठीक है एवोल्यूशनरी थियोरी साइक्लिकल थियोरीज होता है जो साइकिल की तरह चलती हैं दैट मीनस कहीं पे स्टार्ट होंगी फिर इसका एक प्रोसेस चलेगा फिर एंड हो जाएंगी फिर फिर से इनका नया स्टार्ट चलेगा ऐसी टाइप ऑफ थियोरीज तो ऑसवर्ड स्पेंगलर ने भी कहा सोसाइटी पैदा होती है मच्योर एंड डिके और एक नई सोसाइटी पैदा हो जाएगी हो जाएगी तो ये बॉर्न हो जाएगा मच्योर डिके एंड बॉर्न क्योंकि सोसाइटी खत्म तो नहीं होगी ना सोसाइटी चलती रहेगी पेरेटो ने इसमें एग्जाम्पल दी थी सर्कुलेशन ऑफ थियोरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स तो थियोरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स बेसिकली क्या होता है इसके लिए हम नया बोर्ड यूज करते हैं तो उन्होंने कहा था एक रूलिंग माइनॉरिटी होती है माइनॉरिटी एंड जिसको आप रूल करते हो मासेस वो रूल्ड मेजोरिटी मेजोरिटी के ऊपर रूल करते हो माइनॉरिटी तो में हमें दो कैटेगरीज देखने को मिलती है एक फॉक्स होते हैं और एक लायन होते हैं ठीक है और का में कुछ क्वालिटीज होती हैं जैसे वो क्लेवर होते हैं चलाक लोमरी कनिंग होते हैं एंड लायन में क्या होता है वो पावरफुल होते हैं अथॉरिटी उनके पास बहुत होती है ठीक है वो खतरनाक टाइप के होते हैं तो ने कहा क्या करती है आपको रूल करने के लिए मतलब आपको कोई पॉलिटिकल एलिट बनने के लिए आप में दोनों क्वालिटीज चाहिए आपको फॉक्स भी बनना पड़ेगा आपको लायन भी बनना पड़ेगा फॉक्सेस जो होते हैं उनमें लायन वाली केपेबिलिटी नहीं होती है तो फॉक्सेस क्या करते हैं वो अपॉइंट करेंगे उन लोगों को जिन लोगों में लायंस वाली केपेबिलिटी होगी ठीक है रूल करने के लिए अपने साथ तो फिर टाइम क्या हो जाएगा ये जो फॉक्सेज होंगे ये थोड़े जब रूल करते जाएंगे करते जाएंगे फिर क्या एक टाइम आता है जब इंसान को लेट बैक अप्रोच इंसान कम्पलिस हो जाता है कि हाँ उसका ध्यान नहीं देता उसको लगता है कि बस अब तो शायद जिंदगी भर मैं ही रूल करूंगा तो वो अपॉर्चुनिटी कौन यूज करते हैं लायंस लायंस क्या करते हैं फिर इन फॉक्सेस को ओवरथ्रो करते हैं और उनसे पावर ले लेते ले हैं अब रूल करने के लिए आपको लेकिन फॉक्सेस की जरूरत भी पड़ेगी तो फिर लायंस क्या करेंगे ये अमंग फॉक्सेस कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो इनकी हेल्प करेंगे क्योंकि आपको कनिंग लोग चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए तो आपने कुछ फॉक्सेस को अपॉइंट किया लेकिन विद टाइम क्या हो गया लाइन्स भी कंप्लेसेंट हो गए कि लेट बैक हो गया कि हाँ आप शायद जिंदगी भर मैं रूल करूंगा जो ही ऐसा वो सिचुएशन आती है क्या करते हैं अपनी चलाकी से लाइन्स को ओवरथ्रो करते हैं फिर से पावर में आते हैं और ये साइकिल की तरह चलता जाता है फॉक्सिस और लाइन्स फिर वापस से आएंगे लाइन्स को ओवरथ्रो करेंगे फॉक्सिस वापस आएंगे फॉक्सिस को ओवर थ्रो करेंगे लाइन्स वापस आएंगे एंड ये जो साइकिल है ये सिर्फ एक माइनॉरिटी के बीच में चलता है दैट मीन जो मेजोरिटी ऑफ द लोग है उनकी किस्मत ही है कि उनको

आइडिएशनल होता है आपका स्पिरिचुअल सोसाइटी एक एक्सट्रीम सेंसेट हो गए मटीरियलिस्टिक सोसाइटी दूसरा एक्सट्रीम आप एक एक्सट्रीम पे पहुंचते हो जब वहां तक ज्यादा आ गए फिर वापस आ जाते हो फिर आप मटीरियलिस्टिक तक पहुंचते हो जब वहां तक ज्यादा चले गए फिर वापस आ जाते हो तो बीच में एक फेज आता है जो सिंथेसिस ऑफ टू है जो आपकी आइडियलिस्टिक सोसाइटी है इसमें कुछ एलिमेंट स्पिरिचुअल का होता है कुछ एलिमेंट जो है वो मटीरियलिस्टिक का होता है और ये इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन uh, किया था नाम लिख लो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स क्योंकि सोशल चेंज आपको पार्ट है सिलेबस का तो आपको इसकी थियरीज भी पता होनी चाहिए फंक्शनल थ्योरी पार्सन ने दी थी पार्सन ने क्या कहा था सोसाइटी में क्या होता है पुरानी जो जमाने की सोसाइटी थी वो अनडिफ्रेंशिएटेड थी जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी एक ही काम हर कोई करता था जैसे गुरु है आपका कोई तो आपका डॉक्टर भी वही है आपका टीचर भी वही है ठीक है फ्रेंड फिलोसफर गाइड सब कुछ वही है तो ऐसा जब मॉडर्निटी की तरफ आगे काम डिफरेंशिएट हो गया अब आपका डॉक्टर अलग हो गया आपका टीचर अलग हो गया या डॉक्टर प्रोफेशन में आपका फिजिशियन अलग हो गया आपका कार्डियो अलग हो गया ठीक है गायनी अलग हो गए ऑनकोलॉजी वाले अलग हो गए तो डिफरेंशिएशन के साथ साथ क्या हो गया एक इंटीग्रेशन भी आ गई आपको ओवरऑल अपनी अगर चलो हम हेल्थ की हमने एग्जांपल ली थी इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आपको क्या आपको सबकी जरूरत पड़ती है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है फिजिशियन के पास जाते हो तो फिजिशियन आपको कोई टेस्ट बोलता है कहते हैं वो कार्डियो को दिखाना कार्डियो बाद में बोलता है या बोलता है गायने को दिखाना ठीक है जो गायनी आपको बोलती है गायनी कुछ टेस्ट करती है वो बोलती है इसको अपने ऑनकोलॉजिस्ट को एक बारी दिखाओ तो इनको इंटीग्रेटेड वे में काम करना पड़ता है एक यूनाइटेड वे में काम करना पड़ता है तो ये थी फंक्शनल थ्योरी इसकी सोशल चेंज की सोशल चेंज कैसे हुई पहले अनडिफ्रेंशिएटेड सोसाइटी थी फिर डिफरेंशिएशन बढ़ गई एंड डिफरेंशिएशन के साथ आपने सोसाइटी में इंटीग्रेशन भी देखी ठीक है तो ये इन्होंने सोशल चेंज के बारे में कहा था अब मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन होता क्या है ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन ट्रेडिशन से हट जाते हो एंथनी गिडन्स ने क्या कहा था मॉडर्नाइजेशन को जगरनॉट प्रोग्रेसिव कहा था मॉडर्न modern, इसको मॉडर्नाइजेशन को ठीक है और इन चार फॉर्म्स दिए थे मॉडर्नाइजेशन के कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलिज्म आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड सर्विलेंस और मिलिट्री पावर कहा था ये जो चार हैं ये पिलर्स हैं किसके मॉडर्नाइजेशन के फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो काम आप पहले हाथों से करते थे हैंड से करते थे उसकी जगह आप क्या आप यूज कर रहे हो मशीन इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में अभी तक देखो हमने जो सोसाइटीज पढ़ी सोशल चेंज वाली तो वो यूजुअली ऐसी है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी फाइन कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म दिया था एलियनेशन हो सकता है एग्जाम में आए तो ये कॉन्सेप्ट देख लो तो इन्होंने क्या कहा जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी आपकी फैक्ट्रीज बढ़ी कैपिटलिज्म हुआ तो जो लेबर्स है वो एलियनेटेड फील करने लगे एलियनेट होता है स्ट्रेंज फीलिंग मतलब ऐसा खुद जब आपको मिसिंग लगे खुद में आप खुश नहीं होते नेगेटिव वर्ड है है ये ठीक खुद से काइंड ऑफ होलिनेट हो जाना दूरी एक बना देना हर चीज से तो किस किस चीज से एलियनेट हो जाते हो अपने आप से क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं है आपको उसके सही वेजेस नहीं मिल रहे आप बस मजदूरी कर रहे हो ठीक है और आपका उसमें कोई क्रिएटिविटी कुछ नहीं है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो एक फार्मर था जो एक फार्म पे काम करता था और उसको अपना जो मजा आता था, था काम करने में वो फील्ड में वो ग्रो करता था चीजें अब वो एक एप्पल की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए वो कोई प्रोसेस अब सो क्या करना है मशीन ऑन ऑफ करनी है दिन भर तो एक मोनोटनी आ जाती है काम में क्या आपको सेम वर्क क्या करना पड़ता है मोनोटनी आ जाती है रिपीटेटिव टास्क आप कर रहे हो बिना किसी मकसद के करे जा रहे हो दिन भर बस आप मशीन ही घुमा रहे हो मशीन ही घुमा रहे हो तो फार्म पे जो एक्टिविटी करता था फिर उसकी वाइफ आती थी, थी वहां पे दिन में उसके लंच लेके आती थी तो ये सारी चीजें एक इमोशनल वैल्यू थी लेकिन मशीन वहां पर आप क्या कर रहे हो मशीन को ऑन ऑफ ऑन ऑफ दिन भर कर रहे हो तो वो जो सारा प्रोसेस और प्रोडक्शन है उससे आप कट ऑफ हो जाते हो ठीक फिर प्रोडक्ट अब फार्मर क्या कर रहा है फॉर एग्जांपल एप्पल ग्रो कर रहा है तो वो एप्पल उसके लिए वैल्यूबल है लेकिन अब फार्मर एप्पल फैक्ट्री में काम करे तो आई बना रहा है क्या वो जो लेबर है वो कभी आईफोन खरीद सकते हैं नहीं तो प्रोडक्ट से भी कट ऑफ हो जाता है फेलो वर्कर्स फेलो वर्कर्स से भी एलिनेट हो जाता है क्योंकि पहले क्या होता था वो काम करता था फार्म पे तो उसकी वहां दोस्ती हो जाती थी बाकी उसके मजदूर वहां काम करे होते थे यहाँ पे वो लेबर्स उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो लेबर्स के साथ बैठ के आराम से बातचीत कर सके कई फैक्ट्रीज में तो ये होता है वहां पे उनको डायपर वगैरह भी पहनाते हैं ताकि उनको वॉशरूम ब्रेक भी ना जाना पड़े ऐसे भी बुरे हाल है ले, लेबरर्स के ठीक है तो फेलो वर्कर से भी एलिनेट हो गया उनसे भी कट ऑफ हो गया तो ये किसने कहा था ये इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी कैपिटलाइजेशन कैपिटलिज्म में ठीक है आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिली थी एलिनेशन तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था थोड़ा आपके सोशल चेंज और आपके इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आप मैंने आपको लेक्चर में भी एग्जाम्पल दी थी मेबलिन यूएस का ब्रांड है उसकी फाउंडेशन मेबलिन फिटमी फाउंडेशन चला सबसे फेमस वाली बोल देती है जो करंटली चल रही है वो यूएस में भी यूज होती है वही फाउंडेशन आप इंडिया में भी यूज़ कर रहे हो तो इसका क्या मतलब हो गया इंटरडिपेंडेंस हो रही है लोगों के बीच में काम की इंटरडिपेंडेंस हो रही है प्रोडक्ट की इंटर डिपेंडेंस हो रही है चीजें फ्लो हो रही है ग्लोबली फ्लो हो रही है एक ही जगह नहीं हो रही है लेवाइस की जींस अगर आप लंडन में भी पहनते हो लेवाइस की जीन्स आप इंडिया में भी पहन रहे हो लुई वटोंग का बैग आप लंडन में भी कैरी करते हो लुई वटोंग ब्रांड जो है वो यहाँ पे भी चल रहा है तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन से सोशल चेंज बहुत ज्यादा होती है मेजर ड्राइवर है सोशल चेंज का लैंग्वेज स्प्रेड हो रही है जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ पे कितना बूथ है उनका कल्चर फूड म्यूजिक पॉपुलर कल्चर अंग्रेजी गाने ही सुनने हैं इंग्लिश सॉन्ग्स फिर चाह कनेक्ट करो या ना करो दैट मीन्स उनकी लैंग्वेज उनका कल्चर उनका पॉपुलर कल्चर म्यूजिक उनका यहाँ इंट्रोव्यूट कर रहा है यहाँ से देख लो भरतनाट्यम संस्कृत म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक संस्कृत लैंग्वेज सॉरी एंड क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ये फॉरिनर्स कितना सुनते हैं तो एक चीजें क्या होती है एक दूसरी जगह से ट्रैवल होकर डिफ्यूज होकर दूसरी जगह पहुंचती है रिटजर ने इसमें एक टर्म दिया था मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी इसका क्या मतलब जैसे मैकडोनल्ड में कैसे काम करते हैं कि बिना सोचे समझे से मोनोटोनी चल रही है बर्गर पता है बर्गर आया उसमें चीज डालो ये करो मशीन में डालो बर्गर बन जाएगा तो उस एक टर्म को ना मैकडोनलेशन का सोसाइटी में भी यही हो रहा है ठीक है यहाँ इंक्लूड करने का क्या मकसद है मैकडोनल्ड जो है ये एक फास्ट फूड चेन है जो ग्लोबली चलता है तो उन्होंने इस ग्लोबल चेन का नाम जो है सोशल चेंज के एक वर्ड को दिखाने के लिए यूज किया है मैकडोनलेशन ऑफ सोसाइटी इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया टी वेबलिन वो कॉन्सपिश कंजन की आप कॉन्सपली चीजें कंज्यूम करते हो आप एसयूवी कार खरीद रहे हो स्टेटस की वजह से फिर चाहे आपको पेट्रोल के लिए पैसे भी उधार लेने पड़े लेकिन ग्लोबली आप वो वाली चीज लेते हो जिसका हाई स्टेटस है आपको ऑल दो मीशो से आप 200, 300 का अच्छा खासा बैग ऑर्डर कर सकते हो लेकिन आप ग्लोबली हाई स्टेटस लुई वोटोंग का बैग ही चाहिए डेढ़ लाख रुपए का चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड से ही खरीदो ठीक है तो इसको कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका टी वेबलिन ने कुछ थियोरीज हैं ग्लोबलाइजेशन की हाइपर ग्लोबलाइट इन्होंने क्या कहा था ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी की वजह से होती है स्केप्टिक स्कूल इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन मिथ है एंड ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट इन्होंने क्या कहा सोशल चेंज आती है आपकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ठीक है तो यहाँ पे आपका यूनिट वन एंड होता है मैं अगेन बोलती हूँ लेक्चर के रिप्लेसमेंट नहीं है आप जिन्होंने लेक्चर अच्छे से सुना है नोट्स बनाए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा मैराथन सीरीज कवर हो जाएगी एंड जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एग्जाम आपका एक वीक के बाद है आज ये सुन रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सोल्यूशन है कि आप ये वीडियो जो है सारा देखो एंड क्विकली इंपॉर्टेंट चीजें जो है नोट डाउन करो ठीक है तो इसके बाद आई गेस आप मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊं आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए या आपको यूनिट सेकेंड का मैराथन सेशन चाहिए ठीक है तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे